यस 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में, जहाँ पे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। तो लेट मी जस्ट सी कि क्या मैं लाइव हूँ या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। वी विल बी स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर वाइज लेके आया हूँ, है ना, 2023 के ही लेके आया हूँ, सिर्फ उसी में देखना कितना टाइम लग जाएगा आपको, बिकॉज एक साल में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कई सारे सेट बनते हैं, उस अकॉर्डिंगली। वो भी आज ही इस टाइम पे तो अभी आधे ही हो पाएंगे, है ना। एक मिनट चेक कर लूं कि हम लाइव हैं। आर वी इन द स्टार्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस वी आर लाइव। चैप्टर वाइज लेके आए हैं, है ना, 2023 के ही लेके। इसको बंद करो आवाज को। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ, लाइव वाला जो है। कहाँ यार। यस सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ। सबसे पहला एक मिनट चैट को। यस सो लेट अस स्टार्ट। Let us start with the previous year questions. Okay, so now we are ready with the previous year questions. सबसे पहले, अरे, yes, पहले है आपके पास पूरी बायोलॉजी के आज कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बताऊं, 2023 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2023 में ना, 2023 में कंपार्टमेंट पेपर अलग हुआ था, तीन सेट कंपार्टमेंट पेपर के थे। वो मैं अभी लेके नहीं आया, है ना, वो भी हम करेंगे, है ना। वो मैं आपको अलग अलग तरह से करवाऊंगा क्वेश्चंस, देखना आपको सब समझ आ जाएगा। 2023 के तो सारे करवाई दूंगा। फिर 2023 में कंपार्टमेंट के तीन सेट थे, और ऐसे ही तीन पेपर मतलब पूरा पूरा अलग पेपर, है ना, हुआ था नॉर्मल पेपर जो होता है, और इन तीनों में तीन तीन सेट थे। तो नौ सेट ये हैं, इनमें से मैं छह लेके आया हूँ, और बाकी जो तीन है वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा, कब करवाऊंगा कैसे, है ना, वो सब हम देखेंगे। लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताज़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं ना, मैंने जब डाला है स्लाइड में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके जेनेटिक्स से, और साथ ही में जेनेटिक्स प्लस एवोल्यूशन प्लस रिप्रोडक्शन वाली यूनिट। इन तीन चीजों को अगर आपने कर लिया ना भाई, आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। 50 तो ज्यादा बोल दिया, मतलब आप कह रहे हो कि 40 नंबर का तो इनमें से ही था, 40 नंबर का इनमें से ही था, बाकी तो थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए ना 30 नंबर के। तो वो आपको याद रखना है कि ये तीन यूनिट्स जो मैंने आपको बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जिनसे आपको करना है। तो पहले हम बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेट्स स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी। ओके फर्स्ट इज, अच्छा अब आंसर चैट में देते रहना अगर आपको आता होगा तो, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, why is plasmid considered to be important tool in RDNA technology? Plasmid को हम क्यों कह रहे हैं कि हम plasmid use कर सकते हैं as a vector? Because हम उसको vector की तरह use कर सकते हैं। उसमें सारे वो features जो कि एक vector में होने चाहिए, उसमें origin of replication है, उसमें selectable markers हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। बट ये पांच नंबर का ही क्वेश्चन है, और इस पांच में भी तीन पार्ट्स हैं, तो जस्ट आपको जितना पूछा गया उतना लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो बस आपको यही लिख देना है कि ये वेक्टर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, और इससे हम जो है ट्रांसफर कर सकते हैं आरडीएनए को। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम वेयर द प्लाज्मिड्स कैन बी आइसोलेटेड, कहां से आइसोलेट कर सकते हो? बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है ना, तो बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करोगे। तो इसका सोर्सेज सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट कैसे लिखोगे, फर्स्ट का क्योंकि ये वेक्टर की तरह यूज हो पा रहा है, एंड सेकेंडली वेक्टर तो ठीक है, वेक्टर की तरह यूज हो रहा है, और कहां से इसको आप निकाल रहे हो प्लाज्मिड को? सबसे पहले आपने देखा कि इकोलाई, इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड है, और आपने पढ़ा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, उसका भी हम प्लाज्मिड यूज करते हैं ना, टीआई प्लाज्मिड, तो वहां पे भी है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये दो एग्जांपल हो गए, और भी आप कोई भी बैक्टीरिया लिख सकते हो, हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता ही होता है, तो आप वो कोई भी बैक्टीरिया लिख सकते हो। फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म। सेकंड है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओराई एंड सेलेक्टेबल मार्कर, तो ओराई क्या करता था, ओराई वो जगह है। अच्छा आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, बिकॉज अब ये दो नंबर का भी हो सकता है पार्ट, ठीक है, तो इसमें सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, जो जो आपको आता है ना सब कुछ लिख दो। ओराई है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, वो पार्ट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और इसीलिए हम ओराई के पास, मतलब, और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, तो हम वो वाला ओराई चुनेंगे जिसका कॉपी नंबर हाई होगा। ये सब आपको लिखना है, कॉपी नंबर ज्यादा है तो वो वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम चुनेंगे, वो वाला वेक्टर चुनेंगे। नेक्स्ट देखो, सिलेक्टेबल मार्कर का पूछा गया, तो सिलेक्टेबल मार्कर का भी बता दोगे, सिलेक्टेबल मार्कर का बता दोगे क्या, कि सिलेक्टेबल मार्कर वो है जिससे हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डीसिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में विल नॉट बी सिलेक्टिंग, एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर लो, ये है सिलेक्टेबल मार्कर का काम। मोर ओवर, सिलेक्टेबल मार्कर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब आप इसमें बताओगे। थर्ड,
आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रोसीड विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होंगे हम कट नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यही आपको इसमें लिखना है। तो देखो पांच नंबर जो थे वो कैसे कैसे डिवाइडेड है वो भी लेके आया हूँ मैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है सीबीएसई की। तो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की में क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का, देखो फर्स्ट पार्ट वॉज अरे वाई प्लाज्मिड इज यूज्ड। तो देखो बिकॉज प्लाज्मिड हैज ओराए, प्रेजेंस ऑफ ओराए लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएगा। एक नंबर का था, कोई एक पॉइंट लिख देते तो ठीक है। कैन एक्ट एज वेक्टर, कैन सेल्फ रेप्लिकेट टू फॉर्म कॉपीज, तो ये सब में से कोई एक पॉइंट अगर आप लिख देते तो आपको एक नंबर जो है वो मिल जाता। नेक्स्ट वही इकोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफेशन, सेल्मोनेला टाइफी, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, आधे 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 नंबर के दो पॉइंट्स होने चाहिए थे, मतलब तो आपको दो पॉइंट्स अगर आप लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता पूरा। अच्छा नहीं, ये मेरे ख्याल से एक नंबर का है और ये है आधे आधे के दो और ये ऐसे, है ना। तो इसमें कोई एक पॉइंट ही लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता, जैसे सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स या जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, एक कोई भी पॉइंट लिख देते एक नंबर मिल जाता। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंड द न्यूक्लियस आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक, अच्छा ये तो अलग चीज है ना। ये देखो सिलेक्टेबल मार्कर का काम, कि ये क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर रहा था और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को परमिट कर रहा था ट्रांसफॉर्मेंट्स की ग्रोथ, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर दे रहा था। ये अगर आपने लिख दिया, दोनों चीजें लिख रही है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या कर रहा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या कर रहा है, तो आपको एक नंबर मिलेगा। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का अगर ना होते तो क्या होता, अगर ना होते तो स्टिकी एंड्स ना मिल पाते, स्टिकी एंड्स ना मिल पाते या कट ना लगा पाते तो फिर डीएनए लाइगेस जोड़ कैसे पाता उसको, है ना। तो ये सारा आप इसमें बताएंगे, इसलिए आपको इन सबको लिखने का एक नंबर मिलता। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप कोई भी हो सकती है। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो बीटी कॉटन देन जेनेटिकली अनमॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स, बिकॉज जो अनमॉडिफाइड कॉटन क्रॉप है इनको हमें बार बार पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड देनी पड़ेंगी, बट वो पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो इट इज ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट, पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंट है। सेकेंडली नेम एनी टू इंसेक्ट्स किल्ड बाय बीटी कॉटन, बीटी कॉटन से कौन से दो इंसेक्ट मर रहे हैं, याद करो लेपिडोप्टेरन्स, है ना, फ्लाइज, मस्कीटोज, ये सब हमने पढ़ा था। तो फ्लाइज का एग्जाम्पल लिख सकते हो, मस्कीटोज का एग्जाम्पल लिख सकते हो, और कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स कहाँ पे, बीटी कॉटन में, और कॉर्न बोरर्स, ठीक है। थर्ड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच बीटी कॉटन किल्स द इंसेक्ट बट नॉट द बैक्टीरिया, इसमें आपको छह पॉइंट लिखने पड़ेंगे। छह पॉइंट क्यों, बिकॉज तीन नंबर का क्वेश्चन ना, तो तीन नंबर में आपको आधे आधे का एक एक पॉइंट होता है, याद रखना ये चीज। तो जब भी कोई तीन नंबर का क्वेश्चन, अच्छा तीन नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसे बीच में कहीं पूछा गया तो आधे आधे का एक पॉइंट होता है, आधे आधे का एक नंबर होता है, बट अगर आपसे पूछा गया तीन नंबर का सेक्शन सी में, तो आप उसको तीन पॉइंट में भी लिख दोगे काम चल जाएगा। मतलब सब कुछ बता देना है इसमें, जो भी आपको पता है कि बीटी टॉक्सिन के अंदर, है ना, जो बैसिलस थुरिंजियोसिस है, यानी बीटी के अंदर जो है एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन प्रो एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन। ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन बन जाता है कब, ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन कब बनेगा, एक मिनट, आपको मैं विजिबल नहीं हूं क्या, मुझे पता ही नहीं था, एक मिनट रुको, मैं भी विजिबल हो जाता हूं। आई डिडंट नो दैट आई वाज नॉट विजिबल। ओके, तो ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में चेंज हो जाएगा। दिस प्रोटॉक्सिन विल चेंज इनटू टॉक्सिन, क्यों, एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच लिखा, आधा नंबर मिला। कहां पे, इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स, आधा नंबर मिला। तो ये सब आपको लिखना है, तो ही आपको आधे आधे नंबर करके ऐसे आपको पूरा का पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इसके तीन नंबर का क्वेश्चन था। तो देखो कैसे आंसर की कोई बनाया गया, बीटी कॉटन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, अगर आपने ये लिख दिया एक नंबर मिल गया। कॉटन बॉल वॉर्म्स, आते आते के दो एग्जांपल देने थे, कॉटन बॉम्स और जो फ्लाइज, मस्कीटो, आर्मी वॉर्म, टोबैको बट वॉर्म, कॉर्न बोरर, सिरप ट्रेंस, ठीक है। तो कुछ भी लिख देते आपको दो, एनी टू, तो आपको इसका एक नंबर मिल जाता। नेक्स्ट देखो मैंने कहा था ना आधे आधे के छह पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के अंदर तरह प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, आधा नंबर मिला। देन बट वंस द इंसेक्ट इंजेस्टेड इट इज कन्वर्टेड टू एसिड फॉर्म ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच लिखा, आधा नंबर। गट लिखा, आधा नंबर। विच सोल्यूबाइजेस टू द टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड, जो कि सोल्यूबलाइज होके वहां पे एक इंसेक्टिसाइड की तरह बन जाता है, यहाँ पे ये लिखा तो आधा नंबर मिल गया। फिर ये मिडगट एपिथेलियल सेल्स को तोड़ देगा, आधा नंबर और मिल गया, और फिर उससे डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की, आधा नंबर और मिल गया। तो देखो आधा 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 आधा, मतलब तीन नंबर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। ओके नेक्स्ट देखो, यस, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ मेथड टू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लवी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज अ मेथड टू डिटेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक्सप्लेन। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था लैक जेड जीन वाला, लैक जेड जीन जो कि क्या बनाती थी, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये बनाएगी बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाती थी, तो ये क्या करता था, लैक्टोज को ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देता था। और जब इसका रिएक्शन ये जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में डाला जाता था ना, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में, तो उससे क्या होता था, उससे ब्लू कलर मिलता था। तो इसमें आपको बस यही बताना है कि जब हमने इसके अंदर लैक जेड जीन के अंदर कोई ना कोई और फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो अब लैक जेड जीन बीटा ग्लाइकोप्रोटीएज नहीं बनाएगी और इस कारण से कोई केमिकल वगैरह भी नहीं बनेगा जिससे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस पे कोई कलर नहीं आएगा। अगर आपने ये पूरा लिखा है तो आपको दो नंबर का क्वेश्चन था, तो वो मिल जाएंगे। देखो कैसे था, आधे आधे के चार पॉइंट लिखने थे, आधे आधे नंबर के अंदर चार चीजें बतानी थी जो यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले डिजायर्ड डीएनए इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लाइकोप्रोटीएज, जिसको हमने कहा लैक जेड जीन, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन। आधा नंबर कहाँ मिला, ये कोडिंग सीक्वेंस में डाल दिया। आधा नंबर कहाँ मिला, इससे ये इनएक्टिव हो गई। फिर पहले क्या करती थी, सिंथेसिस करती थी एंजाइम का, जो कि क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट पे ब्लू कलर देता था, आधा नंबर और मिल गया। बट अब ये कोई भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और अब हम इनसे रिकॉम्बिनेंट को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दो नंबर जो है वो मिल जाएंगे। आई होप एंड बिलीव दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। खुल जा, इतनी आगे कहाँ पहुंच गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखो, ये इसी के साथ चॉइस में आया हुआ था। एक्सप्लेन हाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट अ डिजीज एवर इवन बिफोर एनी क्लिनिकल सिम्टम अपीयर्स। अब इसमें बोला है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो यार आरडीएनए टेक्नोलॉजी का तो एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा था, उधर तो सिर्फ इन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिया और एलिसा दिया हुआ है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का सिर्फ नाम दिया हुआ है। बट आपको इतना तो पता है ना कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कैसे, हमने वो वीएनटीआर प्रॉब्स वाला मेथड देखा था ना, वीएनटीआर प्रॉब्स, तो वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी ही है। वीएनटीआर प्रॉब्स को हमने डाल दिया, अगर म्यूटेशन हुई होगी तो प्रॉब नहीं चिपकेगा, और अगर म्यूटेशन नहीं हुई है तो प्रॉब चिपक जाएगा जो हमने बनाया बाहर। एक तो आप ये लिख सकते थे, और अगर आप इसमें पीसीआर वाला मेथड भी लिखते हैं ना कि यार पीसीआर से हम उसको एम्पलीफाई करके देख लेंगे, और एम्पलीफिकेशन के बाद अगर हमें कोई फॉरेन डीएनए दिखी तो हमें पता चल जाएगा कि बाहर से कोई बीमारी आई है। अगर आप ये भी लिख देते तो भी आपको दो नंबर मिल जाते। तो देखो आंसर की देखते हैं, ये देखो आंसर की में जब डैश लगा है मतलब इनमें से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप पीसीआर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब, ये वही बताया मैंने, वीएनटीआर प्रोब जैसे आपने बनाए थे ना, तो वैसे ही आप इसके प्रोब बना लोगे। उसको आप हाइब्रिडाइज करवाया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो कि आपके सेल के अंदर है, इन अ क्लोन ऑफ सेल, उससे ऑटो रेडियोग्राफी करके आपको पता चल जाएगा कि कोई म्यूटेशन तो नहीं हुई है आपके अंदर, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पीसीआर से बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स, देखो इसमें भी आपको चार पॉइंट बताने जरूरी हैं, तो कोई भी दो नंबर का क्वेश्चन हो तो उसमें चार पॉइंट आप बता देना। दो मार्क्स के क्वेश्चन में चार पॉइंट बताने हैं, और फाइव मार्क्स को आप उतना ही रखना जितना वहां पे पूछा गया हो, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इससे डीनेचुरेशन एनलिंग और एम्पलीफाई हो जाएगा वो डीएनए। एम्पलीफाई होने के बाद हम देख सकते हैं कि कोई उसमें पैथोजन स्पेसिफिक प्राइमर तो नहीं है, या पैथोजन स्पेसिफिक कुछ है तो नहीं जो पैथोजन के लिए है, नहीं ना। अगर है तो फिर उसको बीमारी है, अगर नहीं है तो फिर बीमारी नहीं है। नेक्स्ट देखो 27th क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ नेमाटोड दैट इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट एंड पार्ट दैट इट्स इन्फेक्ट्स। सबसे पहला साइंटिफिक नेम मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया। और जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, याद रखना इसके मार्क्स कट सकते हैं, तो ए पार्ट है ना, तो ये हो गया। सेकेंडली प्लांट का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता था, रूट्स इफेक्ट होते थे। नेक्स्ट हाउ इज एग्रोबैक्टीरियम यूज टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम दिस इफेक्ट फ्रॉम दिस अटैक। एग्रोबैक्टीरियम से हमने क्या किया, कैसे इसको बचाया। सबसे पहले बी पार्ट देखना, हमने क्या किया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के अंदर एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके हमने उसके अंदर निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दी, निमेटोड स्पेसिफिक डीएनए डाल दिया, जो कि ऐसे डाला है कि अब उससे सेल्स और नॉनसेंस दोनों आरएनए की स्ट्रैंड बनेंगी। फिर इस पे रिस्क आएगा, और रिस्क ने सेंस को कट कर दिया, सेंस हट गया, सिर्फ नॉनसेंस बचा। नॉनसेंस जो है वो जाके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा, किसके अंदर, निमेटोड के अंदर, और उसमें से भी सेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसको हमने कहा आरएनए इंटरफेरेंस। यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। देखो मेलोइडियन इनकॉग्निशन लिखा, आधा नंबर मिल गया, रूट्स मिला आधा नंबर, तो एक नंबर यहाँ पे मिल गया। वही है, आधे आधे नंबर के चार पॉइंट हैं, आपको आगे लिखने पड़ेंगे। बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए ऐसे है कि एंटी सेंस और सेंस दोनों है। अगर आपने यहां तक लिख दिया तो एक नंबर मिल गया। नेक्स्ट द टू आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री थे तो आपस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, और आरएनए इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है।
एंड साइलेंसिंग होगी जीन की, इसका लिखा तो एक नंबर और मिल गया, तो तीन नंबर आपको पूरे क्वेश्चन के इस प्रकार से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक चैप्टर के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए, एक चैप्टर के क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए। नाउ कम्स द सेकेंड चैप्टर, जिसमें से कई सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने पहले ही कहा है ये ऐसा चैप्टर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें से भर भर के सवाल पूछे गए हैं, और देखना आप अभी आपको पता चल ही जाएगा। देखो मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ, है ना, दर्शन कर लो पहले आप कि कितने क्वेश्चन आए हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से। ये एक क्वेश्चन, दूसरा देखो, और ये पाँच पाँच नंबर वाले हैं, चॉइस थी ना पाँच वाले में, तो एक ही मानो इनको, ठीक है। फिर एक केस स्टडी भी आई थी, फिर केस स्टडी के बाद ये तीन नंबर का एक क्वेश्चन, फिर तीन नंबर का एक और क्वेश्चन, फिर तीन नंबर का एक और क्वेश्चन आया है, फिर एक नंबर के तीन चार एमसीक्यूज थे। तो देखो कितने क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से 2023 में आए हैं। ओए फुल स्क्रीन करो, हाँ देखो। तो अब चलते हैं इसकी तरफ भी, देखते हैं। ईगल गेमिंग, हाय हाय ब्रो, ओके सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है पांच मार्क्स में, सीधा क्वेश्चन आया है, सीधा पांच मार्क्स में, पांच मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनएज, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ट्रांसलेशन के टाइम पे हर प्रोटीन की जरूरत होती है, क्यों बताओ, एक्सप्लेन करो। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो टीआरएनए का रोल बता दो, बिकॉज टीआरएनए सबसे पहले क्या लिखोगे? अडैप्टर मॉलिक्यूल लिखोगे। फिर इसका स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको चार पॉइंट लिखने होंगे। याद रखना, आपने अडैप्टर मॉलिक्यूल लिख दिया, आधा नंबर मिल गया। सेकंड आपने लिखा कि इसके पास यार एक एंटीसेंस कोड, एंटीसेंस स्ट्रैंड होती है, एंटीसेंस स्ट्रैंड होती है, जैसे ये रीड करता है सेंस कोडोन को। तीसरा पॉइंट आपने बता दिया, ये रीड को कर लेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, प्रोटीन को लेके आएगा। इसके पास एक प्रोटीन को लेके आने वाली भी तो लूप होती है, जहां पे अमीनो एसिड लूप जिसको बोलते हैं, तो वहां पे प्रोटीन आ जाएगा। फिर ये पूरा का पूरा जो है ट्रांसलेशन में मेजर रोल प्ले करेगा, और यही जो है वो रीड करता है कोड को, रीड द कोड। तो ये चार चीजें अगर आपने लिखी है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देखना बी पार्ट, मतलब बी पार्ट क्या, टीआरएनए तो हो गया, अब आरआरएनए, आरआरएनए जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, राइबोसोम बनाएगा, है ना, कैटालिटिक रोल प्ले करता है। कैटालिटिक रोल में नाम लिखना जरूरी है, राइबोजाइम, राइबोजाइम नाम लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा, कैटालिटिक रोल। और इसमें बिकॉज आरआरएनए की भी चार फीचर बता दो, है ना, और कौन बता सकते हो, तो और भी देख लेना, आंसर किसे दिखा दूंगा। फिर एमआरएनए, एमआरएनए क्या करता था, एमआरएनए पे कोडोन होते थे, जिन कोडोन को रीड करके, मतलब ये क्या है, टेम्पलेट है, दिस कैन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर, दिस कैन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर दैट ट्रांसलेशन। तो अब देखो सीबीएसई के आंसर की मैं क्या क्या मार्क्स दिए थे। मैंने कहा ही है कि जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है किससे रिलेटेड, कि दो नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको चार पॉइंट एक्सपेक्ट कर दिए सीबीएसई। अगर आपने चार पॉइंट नहीं लिखे हैं, चार चीजें नहीं बताई हैं, जैसे देखो अडैप्टर मॉलिक्यूल बता दिया, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बता दी, एंटीकोडोन लूप बना दिया, और बाइंड करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, ये बता दिया, इनिशिएटर टीआरएनए है ये बता दिया, तो आपको चार नंबर, दो नंबर मिल जाएंगे। देखो चार पॉइंट बताओगे तो दो नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट एमआरएनए में मैंने क्या बता दिया, टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट कर रहा था, कैरियर कर रहा था, इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा ना कोडोन से, देन इनिशिएटर कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, स्टॉप कोडोन, ये सब अगर बता दिया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, बिकॉज एमआरएनए के बारे में कम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक नंबर का है। कोई भी दो इन्फॉर्मेशन, देखो दो इन्फॉर्मेशन बताओगे तो एक नंबर मिलेगा। सेकेंड यहाँ पे भी चार बताओगे तो दो नंबर मिलेंगे। आरआरएनए खुद को राइबोसोम में बना लेता है, इसमें दो साइड्स होंगी, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट, है ना, तो ये बता देना। इन विच वन साइड इज फॉर बाइंडिंग द इनकमिंग टीआरएनए, एक साइड जो है वहां पे टीआरएनए जुड़ जाता है ताकि उसको जगह मिल सके ना, ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट, और नीचे स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगी, पूरे को रीड करते हुए ये जो है राइबोसोम जाता है। तो ये आपको सब बताना है, कैटलिस्ट वाला मैंने आपको बोला है ना, तो ये सब आपको लिखना है इसमें। तो इसको अगर आपने लिखा तो आपको दो नंबर मिलेंगे और टोटल पांच नंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रो, पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? इसका तो नहीं मिलेगा, बट पीडीएफ में ना मेरे कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो मैं ऐसे भी करवाऊंगा और उसका पीडीएफ भी दूंगा, बिकॉज इसमें तो यार पीडीएफ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी, हर एक का स्क्रीनशॉट वगैरह खींच के बनाना पड़ेगा। तो पीडीएफ आपको एक और फाइल का मिलेगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसमें हर चैप्टर के, मतलब जो चैप्टर रिलेटेड है ना उनके भी हैं, उनके भी क्वेश्चन है उसमें, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वो पुराने साल के क्वेश्चन हैं, वो रिसेंट ईयर के नहीं है, वो पुराने ईयर के हैं, बट वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, अ होमोजाइगस टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, मतलब होमोजाइगस है तो कैपिटल टी, कैपिटल डी ग्रीन सीड्स के लिए, स्मॉल वाई आएगा, क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ मतलब
स्मॉल टी स्मॉल टी, येलो सीड्स हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इनका क्रॉस करवाना है। बताओ एफ वन में पॉसिबल फिनोटाइप जीनोटाइप कौन सा होगा, तो एफ वन बना दो इनकी कैपिटल टी स्मॉल वाई, इससे ये वाले गैमेट मिलेगा, इससे ये वाले गैमेट मिलेंगे, तो एफ वन क्या होगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि टॉल प्लांट विद येलो सीड्स, यही होगी एफ वन प्रोजेनी। नेक्स्ट, स्टेट द लॉज ऑफ मेंडल दैट आर प्रूव्ड बाय एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन से कौन से लॉज प्रूव हो पा रहे हैं, बिकॉज ये कौन सा, तो आप क्या लिखोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, यही है। देन मेंशन द एफ टू फिनोटाइपिक रेशियो अलोंग विद देयर पॉसिबल फिनोटाइप्स। तो एफ टू में बिकॉज अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का ही बन गया ना, देखो इसका क्रॉस जब आप करवाते थे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको आप कैसे रिलेट करो, उससे रिलेट करो जो आप पढ़ते थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे रिलेट करके देखो इसको, बस कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो रिजल्ट सेम आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो सेम आएगी, 9:3:3:1, और आपको आधा नंबर मिलेगा अगर आपने ऐसे लिखा है। पूरा नंबर कब मिलेगा, जब बताया कि 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है, ये 9 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टॉल येलो, ये टॉल ग्रीन, ये ड्वार्फ येलो, ये ड्वार्फ ग्रीन, ड्वार्फ ग्रीन सबसे कम होंगे ना, तो इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट, राइट द फिनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय एफ1 प्रोजेनी। एफ1 प्रोजेनी के गैमेट्स के बारे में बताना है, F1 प्रोजेनी कौन सी थी, ये है आपके पास F1 प्रोजेनी जो इससे मिलके बनी ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके गैमेट बताने हैं, तो इनसे चार तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी कैपिटल वाई, तो ये चारों गैमेट्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों में चारों लिखने हैं, दोनों में चारों गैमेट्स लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। देखो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिनोटाइप बता दिया टॉल विद येलो और कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आधा आधा नंबर एक नंबर मिला। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया, एक नंबर मिला। फिनोटाइपिक रेशियो लिख दी 3:3:9:3:1, देखो अगर आपने सिर्फ रेशियो लिखी है तो आधा नंबर मिलेगा, और अगर आपने बताया है कि किस चीज की रेशियो है, कौन सा 9 है कौन सा 3 है, तो आपको एक पूरा एक नंबर मिल जाएगा इसका। फिर मेल गैमेट्स का, सारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सारे लिखने हैं, चारों लिखने हैं, तो ये देखो इस प्रकार से आपको चार नंबर का था क्या ये, नहीं यहाँ पे दो है ना, तो पांच नंबर इस प्रकार से आपको पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, देखो जेनेटिक्स से कई सारे क्वेश्चन, देखो पेडिग्री चार्ट आ गया, पेडिग्री एनालिसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि मैंने आपको लिखवाए थे अपने हर लेक्चर में, जो भी मेरा जेनेटिक्स का लेक्चर है उसमें मैंने जेनेटिक्स के पॉइंट्स कुछ बोले थे या लिखवाए थे, तो उनको आप एक बार जरूर रेफर करना। क्या है, द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट शोज द इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अप टू 3 जनरेशन, ऑब्जर्व करो और इसको क्वेश्चन को आंसर दो। इज द डिजीज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, अब देखो क्योंकि ये ज्यादातर मेल में देखने को मिल रही है ना, तो ये सेक्स लिंक्ड हुई, तो इसको आप कह सकते हो सेक्स लिंक्ड, कारण बिकॉज ये मेल में है, मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, सॉरी हाँ मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें ज्यादा सेक्स लिंक्ड आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज मेल में मोर अफेक्टेड है, तो अगर आपने ये लिख दिया तो आपको एक नंबर मिलेगा। नेक्स्ट, इज इट रिसेसिव और डोमिनेंट, देखो हर जनरेशन में देखने को मिल रही है, कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही, कोई जनरेशन जब स्किप ना हो तो हम क्या बोलते हैं डोमिनेंट, हम बोलते हैं डोमिनेंट, बट एक बार ना इसको सोच के देखना, अगर ये डोमिनेंट डिजीज है तो जो पहली जनरेशन जनरेशन वन यानी बी जो है फीमेल डोमिनेंट के लिए, अगर डोमिनेंट डिजीज होती तो फीमेल क्या होती, फीमेल होती एक्स एक्स और मेल क्या होता एक्स डैश वाई, बिकॉज वो अफेक्टेड है। ये मैं फर्स्ट जनरेशन बना रहा हूँ, यानी कि ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, ये मैं ये वाला बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो पहला ये वाले ऑफस्प्रिंग्स, इनके ऑफस्प्रिंग्स अब देखना कैसे बनेंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, एक होगा एक्स एक्स डैश, एक होगा एक्स वाई, एक होगा एक्स एक्स डैश, एक होगा एक्स वाई, तो इनके दो तो अफेक्टेड फीमेल आ रही है, बट आप इस चार्ट में देखो क्या कोई अफेक्टेड फीमेल दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है, तो आपको एक बार मैच भी करना है, जो मैंने पॉइंट्स बोले थे वो भी ध्यान से सुनने हैं, तो यहाँ पे इट इज नॉट डोमिनेंट, इट इज रिसेसिव डिजीज। देन सी डी एच का बताओ जीनोटाइप, याद रखो अब आपने पता कर लिया कि ये एक्स लिंक्ड है बिकॉज ज्यादा मेल्स में देखने को मिल रही है और रिसेसिव है, तो उस अकॉर्डिंग अब आपको क्या लिखना है, सी का लिखना है, सी देखो सी है नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल फीमेल क्या हो सकती है, एक्स एक्स डैश भी हो सकती है, कैरियर होना रिसेसिव में तो ये नॉर्मल ही है, और एक्स एक्स भी हो सकती है। सिमिलरली अच्छा एक मिनट देखो, अब ये जो सी है ये सी किसका ऑफस्प्रिंग है, ये पहले दोनों का ऑफस्प्रिंग है, तो पहले दोनों के ऑफस्प्रिंग में क्या आपको एक्स एक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो अब आप एक्स एक्स को नहीं लिखेंगे। पीडीएफ कहां पे सेंड करते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल अबाउट सेक्शन में जाना चैनल पे, वहां पे लिंक है, पर उसमें यार ये वाला पीडीएफ नहीं सेंड हो पाएगा, उसमें दूसरा पीडीएफ जो सेंड हो सकता है, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, वो मेरे पास बना हुआ पीडीएफ, इसको मुझे बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना, ओके
आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि एक्स एक्स ऊपर किसी ऑफस्प्रिंग में दिख नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं आना, तो इसी कारण से एक्स एक्स इसका चांस नहीं है। सिमिलरली एच देखो, एच एच यहां है, ये रहा एच, एच भी नॉर्मल फीमेल है, तो एच भी एक्स एक्स हो सकती है, एक्स एक्स डॉट, बट सिमिलरली एच में भी ऊपर पेरेंट्स उसी तरह के हैं, तो एच में भी ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, एच भी सिर्फ एक्स एक्स डॉट होगा। देन और पूछा है डी के बारे में, तो डी का देखो क्या आपको दिख रहा है ना ये प्रॉपर, एक मिनट पता तो चले, अरे यार ये तो छुप जा रहा है मेरे नीचे, तो मैं अपने हिसाब को छोटा करूँ क्या, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जो मैंने लिखा है ना इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, वेट कर लो एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे। नेक्स्ट और पूछा है डी का, तो डी देखो कहाँ है, डी भी इन्हीं का पेरेंट, इन्हीं का ऑफस्प्रिंग है और फीमेल है नॉर्मल, तो डी भी एक्स एक्स डैश ही हो पाएगा, डी भी एक्स एक्स डैश ही बनेगी, ठीक है, तो ये तीनों ही एक्स एक्स डैश वाले हैं। नेक्स्ट, इफ द फीमेल डी जो कि है एक्स एक्स डैश मैरिज अ नॉर्मल मैन, जो कि एक नॉर्मल मैन के साथ शादी कर रही है, यानी कि इसको मैं आगे बना के दिखा देता हूँ, कोई खाली पेज ले लें या यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अरे ग्रेट, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर डी वाले जो ऑफस्प्रिंग थी यानी एक्स एक्स डैश उसका क्रॉस करा हमने नॉर्मल मेल के साथ, एक्स एक्स डैश क्रॉस नॉर्मल मेल मतलब एक्स वाई, टेलीग्राम चैनल लिंक पिंड नहीं है डिस्क्रिप्शन में, पिंड नहीं मतलब अरे यार अबाउट सेक्शन जो होता है ना, अबाउट सेक्शन ऑफ चैनल वहां पे है। अब इनके क्रॉस से क्या मिलेगा, एक्स गमीट ऑफस्प्रिंग बना देता हूँ सीधा, एक्स एक्स मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, एक्स डैश एक्स मिलेगा और एक्स डैश वाई मिलेगा। उन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन है कि अगर डी एक नॉर्मल मैन से मैरी कर रहा है तो उसके डॉटर कितनी जो है, डॉटर जो है वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, तो कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, कैरियर जरूर है बट अफेक्टेड नहीं है। हेलो हेलो यशोदा, कैरियर है बट अफेक्टेड नहीं, तो 0% आएगा आंसर, 0%। देन इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखो, चॉइस वाला क्वेश्चन, इफ मदर बी इज कैरियर, बी जो है वो कैरियर है, ये जो कि हमने पहले से ही बनाया था, पहले ही हमने यही लेके चले हैं, बिकॉज अगर हमने स्टार्टिंग में ही ये कंडीशन ली थी सबसे पहले ना, बी को हमने कैरियर मान लिया था, बिकॉज बी नॉर्मल हो सकती है कैरियर भी हो सकती है, तो अगर बी कैरियर है दैट मीन्स एक्स एक्स डैश है, एंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी देयर डॉटर बीइंग अ सफरर, तो ए तो अफेक्टेड है ना, तो इसका क्रॉस करोगे अफेक्टेड के साथ यानी एक्स डैश वाई के साथ, तो इनका क्रॉस करने के बाद एक मिलेगा एक्स एक्स डैश, एक मिलेगा एक्स डैश, एक मिलेगा एक्स डैश वाई, एक मिलेगा एक्स वाई, फीमेल इज अफेक्टेड, तो एक ही फीमेल है जो अफेक्टेड है, टोटल कितनी फीमेल्स हैं, दो फीमेल्स, तो दो में से एक अफेक्टेड है, यानी कि 50% फीमेल्स आर अफेक्टेड। इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 50% किसका, सारे ऑफस्प्रिंग्स का 50% या सिर्फ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स का 50%, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट, तो अब देखो इसके कैसे मार्क्स डिवाइडेड थे, मोर मेल्स आर अफेक्टेड तो एक्स क्रोमोसोम पे है आधा नंबर मिला, रिसेसिव डिसऑर्डर एक नंबर मिला, इस सब का देखो सबका सेम है, एक्स एक्स सी एक्स एक्स सी एक्स एक्स सी, तो एक नंबर तो डेढ़ नंबर यहाँ पे मिला, तो इन सबको मिला के दो नंबर हो गए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, प्रोबेबिलिटी 50%। अब देखो इन्होंने कुछ कुछ लिखा है, सी इज अफेक्टेड अलील जो कि इन्होंने एक्स एक्स सी के बराबर लिखा ना, तो वो अफेक्टेड अलील है, और सिम्बल्स यूज आर सेम, इफ एनी टू जीनोटाइप्स तो भी आपको एक नंबर मिल जाता, बिकॉज जीनोटाइप लिखने का एक ही नंबर मिलना था, अगर आपने कोई दो जीनोटाइप भी सेम लिख दिए, सही लिख दिए, तो आपको एक नंबर मिल जाता, ठीक है, तो ये तो जानने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पेपर में सारे करके आओगे ना, आप थोड़ी देखोगे कि यार आधा नंबर है कि एक नंबर क्या है, आपको थोड़ी पता वहां पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ आर देयर इन यूकैरियोटिक सेल्स, थ्री होते हैं, तीन होते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज़ 1, 2, 3, मेंशन द टाइप विच ट्रांसक्राइब्स एचएनआरएनए, एचएनआरएनए कौन बनाता था, आप बताएंगे, कोई कोई बता सकता है क्या, एचएनआरएनए कौन से आरएनए बनता था, कौन से आरएनए पॉलीमरेज से बनता था, आप बताएंगे, तब तक मैं बाकी अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। राइट द स्ट्रक्चर, राइट द चेंजेस दैट एचएनआरएनए अंडरगो बिफोर इट लीव्स द न्यूक्लियस एज एमआरएनए, तो यहां पे देखो एक नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, दो नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, तो यहां पे आपको चार पॉइंट बताने जरूरी है, दो नंबर के क्वेश्चन में चार पॉइंट लिखोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा अगर आपने तीन पॉइंट लिखे। सेकंड देखना, सेकंड पार्ट देखना, सबसे पहले आप लिखेंगे कि स्प्लाइसिंग हुई, स्प्लाइसिंग अगर आपने नाम भी लिख दिया तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। सेकंड, सेकेंड आप क्या लिखोगे, स्प्लाइसिंग एक्सप्लेन कर देना उसको, स्प्लाइसिंग होगी ना, स्प्लाइसिंग से एक्सॉन्स रहेंगे, इंट्रॉन कट जाएंगे और एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे। फिर सेकेंड होता है कैपिंग,
कैपिंग में क्या होगा, फाइव प्राइम एंड पे क्या लग जाता था कैपिंग के टाइम? कोई नहीं आंसर बता रहा, मुझे बताना पड़ेगा क्या? नो आंसर फ्रॉम योर साइड, आपको नहीं आता क्या? है इतने दिन से पढ़ाया मैंने, यू डोंट नो दिस थिंग? यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? अच्छा कैपिंग में क्या होता था, कैपिंग में फाइव प्राइम एंड पे एक अनयूजुअल सा, एक अनयूजुअल सा क्या लग जाता था, बेस लग जाता था, जिसका नाम है ग्वानीन, मिथाइल ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट, है ना, मिथाइल ग्वानीन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगा कहां पे, फाइव प्राइम एंड पे। थर्ड है टेलिंग, टेलिंग में थ्री प्राइम एंड पे क्या जुड़ जाता था, थ्री प्राइम एंड पे 200 से 300 रेजिड्यू जुड़ जाते थे पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेट के, पॉली एडिनाइलेट के 200 से 300 रेजिड्यू जुड़ जाते थे। तो इसको अगर आपने लिखा तो आपको डेढ़ नंबर मिल जाएगा, और ऊपर में से आपने बताया हाउ मेनी टाइप्स, एक नंबर उसका, कौन सी टाइप एच एन आर एन ए को बना रही है, आधा नंबर उसका। तो मैं ही बता देता हूँ बिकॉज आप तो बता नहीं रहे हैं, विच टाइप ऑफ देम ट्रांसक्राइब्स एच एन आर एन ए, वो होता है आर एन ए पॉलीमरेज टू, आर एन ए पॉलीमरेज टू, बीच वाला, वन टू थ्री होता है ना, तो बीच वाला जो है वो एच एन आर एन ए बनाता है। अब इसकी आंसर की देख लो, थ्री टाइप्स लिखा तो आधा नंबर मिला, आर एन ए पॉलीमरेज टू लिखा तो एक नंबर मिला, डेढ़ नंबर आपको इसको मिला। फिर आधे आधे नंबर के तीन चीजें हैं, आप सिर्फ नाम भी लिख रहे हो या पूरा डिफाइन कर रहे हो, आधा नंबर मिल जाएगा, बिकॉज आधे आधे नंबर का ही है ना, आपने सिर्फ नाम लिख दिया, डिफाइन कर दिया, आधा नंबर मिल जाएगा, तो डेढ़ नंबर का ये है, जिससे आपको टोटल तीन नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन तीन नंबर का, तो देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, किससे, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाले चैप्टर से, अभी एवोल्यूशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, सारे जेनेटिक्स के दिख रहे हैं आपको। तीन नंबर का एक और क्वेश्चन आया है, अच्छा ये इसी में चॉइस का था मेरे ख्याल, द लेंथ ऑफ डीएनए इन एनी सेल इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ इट्स न्यूक्लियस, हाउ दिस एनॉर्मस डीएनए पैकेज, तो डीएनए पैकेजिंग पूछ ली, तो इसमें आपको छह चीजें लिखनी जरूरी है, बिकॉज तीन नंबर का क्वेश्चन है तो छह पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे। सबसे पहला ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन ने अपना ऑक्टामर बना लिया, हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, बेसिक और पॉजिटिव प्रोटीन क्यों है, बिकॉज ये लाइसिन और आर्जिनिन के बने हुए हैं, सब बताओगे, मैं तो रफली लिख रहा हूँ, आप आगे आंसर की में देखना कैसे कैसे क्या क्या लिया हुआ है, लाइसिन और आर्जिनिन से बने हैं, ये सब बताना पड़ेगा। और एक तो आपने ये बता दिया, अब क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज था, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा, इसके ऊपर बाइंड कर जाएगा, इसके ऊपर बाइंड करने के बाद वो न्यूक्लियोसोम में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम ज्यादा हो जाएंगे तो उससे हमें लगेगा बीट जोन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर NHCPs नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स रखते थे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के बाद वो सुपर कॉइल होके क्रोमोसोम बना लेता था, सुपर कॉइल होके क्रोमोसोम बना लेता था। जो आपने छह की पॉइंट्स अगर लिखे हुए हैं तो आपको तीन नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब आगे देखो कैसे इन्होंने आंसर को दिखाया हुआ है, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है हिस्टोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो यहाँ पे आपको एक नंबर तो मिल गया बिकॉज आपने दो इन्फॉर्मेशन तो दे दी, आधे आधे की छह इन्फॉर्मेशन है ना, तो दो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, जिसने नेगेटिवली चार्ज को पकड़ लिया कॉइल्ड मैनर में, हिस्टोन्स को आपने एट ऑक्टामर, तो ऑक्टामर बता दिया तो आधा नंबर और मिल गया। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स ये बता दो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट बनने के बाद बीट जोन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आ गया, यहां तक भी बता दिया है तो तीन नंबर दे दिए जाएंगे, तीन नंबर आपको मिल गए। नेक्स्ट एवोल्यूशन का क्वेश्चन अब आया है, एवोल्यूशन का क्वेश्चन अब आया, देख लो इतनी देर बाद। तो क्वेश्चन क्या है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाइडली एक्सेप्टेड है, बट इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जो कि मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने कहा, क्या लिमिटेशंस थे, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में कहा तो है कि यार वेरिएशन हो रही है, बट इन्होंने वेरिएशन का रीजन नहीं बताया, वेरिएशन का रीजन नहीं दिया, यही इसकी वेरिएशन थी, यही इसका लिमिटेशन है। नेम एंड सेट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो केमिकल एवोल्यूशन वाली ना, केमिकल एवोल्यूशन की, यार पहले केमिकल्स होते थे अर्थ पे, है ना, उससे सारे जो है रिएक्शन वगैरह होके मॉलिक्यूल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, जो 800 डिग्री सेल्सियस वाला उसने मिलर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था वो वाला। मेंशन एनी टू वेज ऑफ लिमिटेशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड, अब लिमिटेशन को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, वेरिएशन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी दो मेथड्स लिख दो, आप कह दो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वो भी वेरिएशन का ही एक रीजन है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वेरिएशन हो रही है, आप और क्या कह सकते हो कि यार और क्या हो, और किस चीज से वेरिएशन, म्यूटेशन हो रही है उससे वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, तो ये दो आपने मेथड लिख दिए तो आपको आंसर एक नंबर पहले क्वेश्चन का, इसे तीन नंबर आपको टोटल मिल जाएंगे। तो देखो कैसे कैसे मार्क्स डिवाइड हुए, सबसे पहला डार्विन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन कैसे आ रही है, वो नहीं बताया। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अगर आपने बताया है कि ये क्या है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो केमिकल एवोल्यूशन उसी को कहा है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो लिखा है तो आधा नंबर मिलेगा। ओरिजिनल स्पीशीज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये लिखा है तो आधा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट म्यूटेशन रिकॉम्बिनेंस ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन, कुछ भी लिखा है, दो पॉइंट भी लिखे हैं पॉइंट्स, उनमें से आपको आधा नंबर मिल जाएगा, तो इससे आपको तीन नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर से आपका अब एमसीक्यू है, अब एमसीक्यू तो बता सकते हो क्या यार, एमसीक्यू के आंसर बता दोगे क्या,
अब एमसीक्यू स्टार्ट हो गए, इस चैप्टर के क्वेश्चन अब खत्म होने वाले हैं, तो एमसीक्यूज आर नाउ स्टार्टेड। एमसीक्यू के आंसर आप बता दीजिएगा। अब गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स मिशेलसन एंड स्टाल कैरिड आउट इन देयर एक्सपेरिमेंट। आप इनको बताओ कि इनके करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या बैठेगा इनके आंसर्स का। बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म टू N14, N14 मीडियम में तो बाद में ट्रांसफर करते थे, पहले क्या करते थे N15 में ग्रो करते थे। ये देखो बैक्टीरिया दोनों इन N15, तो सबसे पहले आएगा 3, फिर 3 के बाद 4, ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का साइज बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, सी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दिया हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे नहीं है, मतलब सीबीएसई के आंसर की में। नेक्स्ट सेकंड, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव्स, जो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, माउस और मार्सुपियल माउस किस चीज का एग्जांपल है, इन दोनों में क्या था, इन दोनों में आपस में क्या था, आपस में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन था मार्सुपियल माउस का, बाकी मार्सुपियल के साथ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था, तो इनका आपस में तो कन्वर्जेंट है, तो ए ऑप्शन। आपस में कन्वर्जेंट होने के कारण इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, देखो इसका आंसर दिया हुआ ए ऑप्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगला तो देखो कौन सा क्वेश्चन पेपर था ये, वो भी यहां पे मैं लेके आया हूं, 5731, ऐसे 5732, 5733, ये तीनों लेके आया हूं। सेकेंडली 5751, 5752, 5753, ये भी शायद लेके आए हूँ, इनमें से पता नहीं एक आधा तो लेके, एक तो लेके आया हूँ, है ना, उससे देखो कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चूज अ सेट ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स दैट इंडिकेट्स द करेक्ट सेट ऑफ रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। होमोजाइगस ZZ जो है वो फीमेल बर्ड्स में, फीमेल में तो यार हेटरोजाइगस होती थी बर्ड्स में, फीमेल वर हेटरोजाइगोट्स इन वर्ड, है ना, तो हेटरोजाइगोटी हेटरोगेमिटी होती है ना फीमेल्स में, तो वो ZZ तो हो नहीं सकता। XO टाइप इन ग्रास होपर्स इन मेल, सही है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मेल में ग्रास होपर की हेट्रोगेमिटी होती थी, तो XO से हेट्रोगेमिटी मेंटेन हो रही है और उसमें XO टाइप ही फॉलो होती थी। नेक्स्ट देखो, ये सारे 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बी पार्ट। अगला इसको कैसे बताऊंगा मैं आपको, कैसे दिखाऊं, कॉपी करके ये यहां तक पहले इसको रीड करूं, पहले इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लो। आपको क्या बताना है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलस्ट्रेशन। ये क्या है, पीसीआर है, तो पीसीआर में आपको बताना है क्या क्या इनमें से सही है। स्टेप पी, पी क्या होता था, डीनेचुरेशन होता था ना यहाँ पे, सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। हाय नितिन, डीनेचुरेशन होगा, क्या वो लो टेम्परेचर पे होता था, नहीं हाई टेम्परेचर पे होता था। नेक्स्ट स्टेप क्यू इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एट हाई टेम्परेचर फॉलोड बाय एनीलिंग, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, बिकॉज स्टेप क्यू में पहले डीनेचुरेशन हुई फिर उसकी एनीलिंग भी साथ ही में दिखा दी गई है। देन स्टेप आर इज एन एक्सटेंशन ऑफ डीएनए इन प्रेजेंस ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, हाँ बिल्कुल सही है, टैग पॉलीमरेज था जो कि थर्मोस्टेबल ही तो था, थर्मस एक्विटकस, तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ट्रू। तो आपसे पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, तो स्टेप क्यू एक्सटेंशन है क्या, स्टेप क्यू में क्या एक्सटेंशन हो रहा है, नहीं एक्सटेंशन तो यहाँ पे नहीं दिखाया, एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं आपको जो उसके ऑप्शन थे वो कहाँ गए, अरे लेट मी शो यू द ऑप्शन एज वेल, इसके ऑप्शन कहाँ हैं, ओए पेस्ट हो जा, ये देखो ये इसके ऑप्शन हैं, तो यू सी आंसर क्या है, आपने लिखा सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इसमें से वही आपका आंसर होना चाहिए, तो सेकेंड थर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड, ओए लिखा क्यों जा रहा है ये, तो ये सेकंड एंड थर्ड वाला यानी बी ऑप्शन होना चाहिए ना आंसर, देखते हैं बी ऑप्शन है क्या, देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फिर से अब ये देखना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया यार, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गया, कहा है सिर्फ ऑप्शंस देख के काम चल पड़ेगा ना इसमें, तो आपको बताना है कि चाइल्ड का पेरेंट कौन है, चाइल्ड का पेरेंट बताना है, तो बताओ अब आप मुझे बताएंगे आंसर, आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको आती है मेरे ख्याल से, ठीक है। बैंड कोई को मैच करना है, सबसे पहले देखो आधे आधे बैंड होने चाहिए, बिकॉज एक चाइल्ड में इसके, ये तो चाइल्ड है ना, चाइल्ड में आधे बैंड होने चाहिए इसके फादर से, आधे इसके मदर से, मतलब आधे इंडिविजुअल कोई और होगा, आधे इंडिविजुअल किसी और से, तो देखो ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है,
ये भी इससे मैच कर रहा है, तो चार इससे मैच कर रहे हैं। सेकेंडली ये इससे मैच कर रहा है। हाँ जी एक मिनट ब्रेक लेने हैं, एक मिनट। एक स्मॉल ब्रेक ले लेते हैं, एक्चुअली कोई आया है, एक मिनट वेट करो। यस सॉरी रियली सॉरी, एक्चुअली ब्रेक किस चीज़ की थी, कोई आ गया था यार बाहर और काम मेरे से ही है ना, तो ऐसे तो बड़ा अजीब सा लगता है ना थोड़ा। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने कहा कि यार इसका आंसर आंसर आया है बी, आंसर इज बी, लेट्स चेक। बी है इंडिविजुअल वन एंड टू, इंडिविजुअल वन एंड टू देखते हैं। नहीं यार, वन एंड टू कैसे होगा? देखो इसको ये वाली जीन किससे मिली है, ये तो इसको थर्ड से भी मिल सकती है, ये भी थर्ड से मैच कर रही है, तो जरूरी थोड़ी सेकंड आंसर हो, वन एंड थ्री हो सकता है। मेरे ख्याल से तो वन एंड थ्री होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इसकी आधी जीन्स तो वन की तरह मैच कर रही है, वन तो होना चाहिए आंसर में, वन तो है ही है। देखो आधी जीन्स जो मैच कर रही है वन की तरह, वो मैंने इसमें मार्क कर दी। अब बाकी जीन्स तो इसकी ये वाली थ्री के साथ मैच कर रही है और ये वाली भी थ्री के साथ मैच कर रही है,
और ये वाली भी 3 के साथ ही मैच कर रही है, तो 1 and 3 होना चाहिए ना, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं सीबीएसई वालों ने क्या दिया है, ए ऑप्शन देखो 1 and 3। हाउ बता दिया ना, देखो आधे आधे मैच करने चाहिए ना, तो इसका ये वाला कहां पे लगा हुआ है, देखो बिल्कुल इसके सामने लगा है, ये वाला इसके सामने लगा है, ये वाला इसके सामने लगा है ना, ऐसे एक भी इसका क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए जो किसी पेरेंट से नहीं आना है, ऐसा एक भी ऐसा क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए जो अलग है, किसी ना किसी पेरेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आधे इससे मिले हुए हैं, आधे इससे मिले हुए हैं, दैट मींस बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। देन ये अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया, इन ह्यूमंस द जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एलील्स, सारे डोमिनेंट एलील्स हैं, शाउट आउट, मैं क्या शाउट आउट दूंगा हैं, अप्रमेया एस भट्ट, मैं क्या शाउट आउट दे सकता हूं, बताओ जीनोटाइप जिसका है डोमिनेंट एलील्स ये वाला, इट इज द डार्केस्ट स्किन कलर, हाँ ये तो ट्रू है। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, हाँ हर एक एलील का एडिटिव इफेक्ट होता था, तो ये भी ट्रू है और यही इसका रीजन है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, 13th का होना चाहिए ए ऑप्शन, तो लेट्स चेक इट एज वेल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, विद दिस आपके जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दो चैप्टर देते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ओ सॉरी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू से ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, एमसीक्यू से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट बताइए ए किस चीज का बता रहे हो, इसका तो ए है, हाँ ठीक है, इसका बताओ, इसका टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो दिखा रहा है, याद रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी लिम्फोसाइट्स, दे आर अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ये तो ट्रू है, चार ही लोग ऑनलाइन है, कोई बात नहीं यार, दिस इज ट्रू, मतलब ये तो आंसर में होना नहीं चाहिए बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो जिस आंसर में ये जिस ऑप्शन में ये वाला है उसको आप हटा दो। नेक्स्ट देयर आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, क्या ये बोन मैरो में बनते हैं, बोलो हाँ ट्रू है ये भी, जिस ऑप्शन में सेकंड वो तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, दे रिमेन एक्टिव ऑल टाइम, नो दिस इज फॉल्स, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको एक तो मिल गई, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, दे मैच्योर इन बोन मैरो, यार ये कैसी बात है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज वो सेकेंडरी लिम्फोसाइट उसमें जो है, मतलब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में वो होता है मैच्योर, तो वो बोन मैरो और वो थाइमस भी तो था, वहां पे भी हो सकता है, तो ठीक है इसका आंसर ये वाला भी हो सकता है और इन दोनों में से हो सकता है कोई ना कोई, लेट्स चेक इट आउट, बी डी में से देखो, बी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए आंसर, बिकॉज कई कई बार दो आंसर भी होते हैं, बी यस बिल्कुल सही, बी लॉयल ऑटम का सही है, हर्ष शर्मा ओके ओके, मतलब नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन जो कि सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, याद करो वो दिन जब हमने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब पहला क्वेश्चन देखना, नेम द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, मॉर्फिन किस कैटेगरी में थे, ओपियोइड्स, याद रखो ओपियोइड्स में थे मॉर्फिन, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल, तो ओपियोइड्स थे वो। नेक्स्ट आफ्टर दिस इफ द मिथाइल ग्रुप, अगर हमने मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया एसिटाइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप की जगह एसिटाइल लगा दिया, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन को क्या बोलते थे, वही पूछा यहाँ पे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को बोलते थे हीरोइन, हीरोइन कह लो या स्मैक कह लो, ठीक है, या डाई एसिटाइल मॉर्फिन कह लो, सबसे आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे बिकॉज सारे ही इसका बिल्कुल सही, मॉर्फिन है ना, स्ट्रक्चर तो मॉर्फिन का ही है, बट जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग जवाब देना था ना। थर्ड पार्ट, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, कहां पे मिलते थे, आई लाइक योर स्ट्रेटजी, यू विल बी फ्यूचर अलग पांडे सर स्टार्टिंग, थैंक यू थैंक यू, बताओ थर्ड वाला, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, कहां से मिलते थे, ओपियोइड्स कहां से मिलते थे, पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट का आप सिर्फ पॉपी प्लांट भी लिख सकते हो है ना, देखो इन्होंने कुछ कहा नहीं है कि आपको केमिकल नेम लिखना कि नहीं, और आप इसमें पेपेवर सोमनीफेरम भी लिख सकते हो, पेपेवर सोमनीफेरम और उसको अंडरलाइन कर देना सेपरेटली। नेक्स्ट नेम दी हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या थे, देखो याद करो कि ये किस पे अफेक्ट करता था, दिस अफेक्टेड द सीएनएस, सीएनएस बिल्कुल सही पेपर आंसर आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता था और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैसेज पे जो ओपियोइड रिसेप्टर्स थे उन पे अफेक्ट करता था, सेकेंडली ये तो ठीक है, और क्या करता था, और ये डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता था, हमारी बॉडी को लाइट वेट में मतलब लाइट कर देगा, हेलुसिनेशन करवाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो ये सब आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो ये क्या है, ये तो कुछ और ही क्वेश्चन का आंसर आ गया, ओए इसका आंसर कहाँ गया फिर, कहीं और तो नहीं चला गया,
लेट मी चेक, नहीं चलो इसका आंसर नहीं आ पाया, बट इसमें आंसर्स मैंने आपको सारे बता दिए ही हैं। नेक्स्ट ये रहा, राइट द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइमरी एफ्लुएंट अंडरगोस व्हेन इट एंटर्स द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले क्या होता था, उसके साथ एरेशन होती थी, तो ए पार्ट में आएगा एरेशन, एरेशन होगी और उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है उसका ब्रेकडाउन होगा, और वो कौन करेगा, फ्लॉक्स उसका ब्रेकडाउन करेंगे, जिससे बीओडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। बी पार्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओडी, बीओडी की क्या सिग्निफिकेंस थी, अगर बीओडी कम है दैट मीन्स ऑक्सीजन कम चाहिए, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर कम है, जिसको डीकम्पोज करना है वो मैटर कम है, बीओडी ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा है। सॉरी ये देखो सेम है, प्राइमरी एफ्लुएंट को हमने एरेशन टैंक में डाला जिसमें हमने एयर वगैरह पंप करी, जिसमें फ्लॉक्स की ग्रोथ हुई और उन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया ऑर्गेनिक मैटर को, और बीओडी कम हो गया। देन बीओडी ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है, वाटर को पोल्यूशन कितना पोल्यूशन उसको मेजर कर सकता है, ग्रेटर द बीओडी मोर इज द पोल्यूटिंग प्रेशर, पोल्यूशन इज मोर एंड प्रेशर ऑफ एंड हाँ बिल्कुल सही है, पोल्यूशन इज मोर एंड प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। चलो नेक्स्ट केस स्टडी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको मैं ना दो पेजेस पे ले लेता हूँ बिकॉज ये देखो पहले इसको ऐसे करो, फिर सेकंड में इसको जहां पे वो था ना ये, इसको डिलीट करके यहां पे ऐड कर देता हूँ वो दोबारा, ये वाला क्वेश्चन। ओके तब मुझे आप इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर बताएंगे, पहले इसको केस स्टडी को, केस को पढ़ना पहले अच्छा अच्छा अच्छे से, बिकॉज ये देखो सबसे पहले है इसमें क्या, पहला पार्ट पढ़ो पहले, क्वेश्चन का पार्ट पढ़ो पहले, ठीक है। Name the parasitic stage that is being transformed from host X to host Y. ये host X है, host X से host Y में कोई parasitic form जा रही है, तो सबसे पहले ये किसका graph से, ये किसका flowchart दिया हुआ है, ये malaria का flowchart दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे infectious stage कौन सी थी, तो उसकी sporozoids थी, तो sporozoids answer आ जाएगा, sporozoids will be the correct answer. Next, write the changes the parasite undergo in liver. Liver के अंदर क्या करता था वो, liver के अंदर वो asexual cycle चलाएगा, जिससे वो asexual cycle के बाद लिवर को बर्स्ट करता हुआ बाहर निकल जाता है, लिवर के सेल्स को बर्स्ट करता हुआ। नेक्स्ट, चेंजेस इट अंडरगो व्हेन इट एंटर्स द आरबीसी, आरबीसी के अंदर ही अपना एसेक्सुअल साइकिल चलाता था, और स्पोरोजोइट्स बिल्कुल सही है, आरबीसी के अंदर भी अपना असेक्सुअल साइकिल चलता था, एक केमिकल रिलीज करता था, उस केमिकल का नाम मुझे आप बताएंगे, जो टॉक्सिन केमिकल होता था, टॉक्सिक केमिकल जिसका नाम था एच से होता था, मैं ही बता दूं क्या, हीमोजोइन, बिकॉज आपको टाइप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है तो मैं बता देता हूँ हीमोजोइन, ठीक है। तो आपने ये सब लिखा है, एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा स्पोरोजोइट्स लिखने का, एक नंबर आपको असेक्सुअल साइकिल का बताने के लिए मिल जाएगा, इसमें आधा आधा नंबर मिलेगा, आधा असेक्सुअल साइकिल बताने का, आधा हीमोजोइन बताने का। और इसका सेकंड पार्ट जो है, दैट इज ट्रेस द चेंजेस द पैरासाइट अंडरगो व्हेन द होस्ट एक्स टेक्स इट्स ब्लड मील फ्रॉम वाई, आरबीसी रप्चर, हाँ ये भी बताना पड़ेगा, आरबीसी रप्चर भी बताना पड़ेगा, हीमोजोइन भी बताना पड़ेगा। बताओ चेंजेस जो कि हुए किसके अंदर, जब उसने वाई को इन्फेक्ट करा उसके अंदर क्या चेंजेस आए, उसके अंदर क्या चेंजेस आने स्टार्ट हुए, हीमोजोइन रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ जिससे ये बीमार होना स्टार्ट हो गया, फीवर होना स्टार्ट हो गया, तो ये सब आप इसमें लिखे हुए। हाय हाय स्वप्निल, अच्छा एक मिनट कुछ गलती तो नहीं है यहाँ पे, देखना पैरासाइट के अंदर चेंजेस बताने थे ना कि बंदे के अंदर, तो पैरासाइट कौन है, मस्कीटो, तो मस्कीटो के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मस्कीटो के अंदर जो है सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगा, सेक्सुअल साइकिल का कंप्लीशन होगा, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होगा ना उसका, ताकि वो जब सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होके स्पोरोजोइट्स बनेंगे, और स्पोरोजोइट्स गट से कहां पे चले जाएंगे, सलिवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर चेक कैसे होता है, मैंने खुद एक पेपर अपने हाथ से लिखा यार, उसको चेक करके दिखाऊंगा कि वो कैसे चेक होता है पेपर सीबीएसई में, जैसे आंसर की तो मैं लेके आ रहा हूं ना, बट उसको कैसे देख के चेक होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एट विच स्टेज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन डज द होस्ट वाई एक्सपीरियंस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, सिम्टम्स कब आते थे, सिम्टम्स कब आएंगे, इस स्टेज में आएंगे ना जब वो आरबीसी के अंदर जा रहा था, तब सिम्टम आते थे। हाँ बिल्कुल सही है, पीडीएफ दे दे, पीडीएफ यार इसका चलो देख लूंगा, बट यार पीडीएफ में ना ये लिखा हुआ आएगा, बिकॉज इसको मिटाने में मेरे को बड़ा टाइम लग जाएगा, ये लिखा हुआ ही मिलेगा पीडीएफ में आपको, जैसे है ना वैसे ही मिलेगा, अभी पीडीएफ आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, चलो कोई नहीं देख लेंगे। देन ये देखो, नेम द डिजीज एंड टॉक्सिन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल, कौन सी डिजीज है, मलेरिया, टॉक्सिन सब्सटेंस, हीमोजोइन, तो यहाँ पे आपको ये सब लिखने का भी आधा नंबर मिलेगा। तो देखो आंसर की कैसे, स्पोरोजोइट्स लिखा तो एक नंबर, अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया एक नंबर,
इंक्रीज किया नंबर असेक्सुअली और उसने गेमिटोसाइट से गेमिटोजेनेसिस कर ली, आधा आधा नंबर, दो पॉइंट्स लिखने का एक नंबर। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हुई एक्स के अंदर जिससे स्पोरोजोइट्स बन गए, दो नंबर, एक नंबर मिल गया। ये सारा बताना है, इफ कोई एनी टू, कोई भी एनी टू बता देना, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी, मलेरिया आ गया या हीमोग्लोबिन बन गया, ये सब में से कोई भी दो बता दोगे तो आपको आंसर चार नंबर का टोटल मिल जाएंगे। नेक्स्ट अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस देख लो, अजर्शन अगर करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बोथ करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, अजर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट है बट रीजन नॉट एक्सप्लेन कर रहा है, अजर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, अजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, आई थिंक सो। आपने ऑप्शन देख लिया, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंट, अजर्शन इज ट्रू। रीजन, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट इन अर्ली लाइफ हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी, ये भी ट्रू है। और क्या ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसको रीड करके देखो, मोर एंड मोर चाइल्ड इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट बिकॉज मॉडर्न डे लाइफस्टाइल एंड प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट इन अर्ली लाइफ हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, assertion reason true है और ये reason भी है, reason भी है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विद दिस आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब एक और यूनिट कंप्लीट हो गई। अब जो यूनिट आ रही है इसमें से भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं। इसमें से मैंने देखा था 18 नंबर का चैप्टर आया है, 18 नंबर का, 16 17 18 नंबर का, बिल्कुल सही है, लॉयल ऑटम का बिल्कुल सही, ए नंबर, ए ऑप्शन। तो इसमें से 18 नंबर का आया रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में से, तो इसको देखना आप। सबसे पहला 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा, फर्स्ट आइडेंटिफाई ए बी सी। देखो ए क्या है, ए क्या है, ये वाला सेल किस चीज के थे, कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा सेल्स। सेकेंड बी क्या है, बी पेरी वाइट लाइन स्पेस। अच्छा यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा प्रॉपर, पेरी वाइट लाइन स्पेस है कि क्या है, देखते हैं आंसर की में क्या दिया हुआ है, बट हम तो अपनी तरफ से पेरी वाइट लाइन स्पेस लिख रहे हैं। इट्स मोनिशा, ओके ओके मोनिशा। सी, सी न्यूक्लियस है भाई, सी इज न्यूक्लियस, ठीक है, तो ए बी सी आपने आइडेंटिफाई कर ली है। नेक्स्ट, द ओवम इज रिलीज फ्रॉम ओवरी विद इनकम्प्लीट म्योटिक डिविजन, देन वेयर एंड हाउ इज द म्योटिक डिविजन कंप्लीटेड, कैसे कंप्लीट होती थी, कहां पे कंप्लीट होती थी और कैसे, कब, कहां, ये सब आपको बताना है। तो व्हेन का आंसर क्या होगा, इन फीमेल बॉडी, कहां पे, इन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होगी, कब होगी, व्हेन अ स्पर्म कम्स इन इट्स कॉन्टैक्ट, जब एक स्पर्म इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, स्पर्म कम्स टू इट्स कॉन्टैक्ट, राइट, और कैसे होगी, मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज वो अरेस्ट से बाहर आ जाएगा, सॉरी मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगी बिकॉज वो अरेस्ट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपको सारा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाउ डज ओवम एंश्योर दैट एंट्री ऑफ सिंगल स्पर्म, मतलब पॉलीस्पर्मी के ब्लॉक आपको बताने हैं। तो एक ही था जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्या होगा, जैसे ही स्पर्म आएगा, इसकी पेरिवाइटल स्पेस या इसके साथ टच हुआ, वैसे ही ये दोनों पेलोसिडा अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आएगी, मेम्ब्रेन विल चेंज इटसेल्फ और उस चेंजेस के कारण वो हार्ड हो जाएगी जिससे वो किसी और स्पर्म को आने नहीं देगी। तो ये सारा अगर आपने लिखा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कैसे, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा लिखा, आधा नंबर, ज़ोना पेलोसिडा या पेरिवाइट लाइन स्पेस, कुछ भी लिख सकते हो, आधा नंबर मिल जाएगा बिकॉज उसमें प्रॉपर देख नहीं रहा ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियस लिखा या न्यूक्लियस लिखा तो आधा नंबर मिल जाएगा, तो डेढ़ नंबर हो गया यहाँ पे। सेकंड, वंस द स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म द होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन द फैलोपियन ट्यूब, जैसे ही स्पर्म उसको एंटर करेगा, जैसे ही स्पर्म उसको टच करेगा, तभी हो जाएगा ना काम, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है ये भी बता दिया, और सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रही है जिससे सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बन रहा है। अगर आपने ये दोनों चीजें बताई है तो एक नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दो नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। सेकंड, इसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म ज़ोना पेलोसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा, मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आएंगे जिसके कारण एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक मिल जाएगा, तो ये डेढ़ डेढ़ और दो, 5 नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, एक्सप्लेन दिस प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है तो पहले बताओगे डबल फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस से बना होता है, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, फिर सिनगेमी को एक्सप्लेन कर दो, सिनगेमी में एक एग सेल जो है मतलब एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, इसको कहा सिनगेमी। फिर डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या था, सॉरी ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्लेन करो कि एक एग सेल दूसरा एग सेल बचा हुआ वो सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस जो पोलर न्यूक्लियस उनके साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा, इसलिए इसको कहा ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है। Give a reason. A seed of orange has many embryo. Orange क्या है? Citrus plant. याद रखना, citrus में क्या होता था? Citrus और mango में polyspermy. Yes, syngamy बिल्कुल सही है. Nobody cares का. तो इसमें polyspermy के, sorry, polyembryony के कारण. बिल्कुल सही है. PEN भी बिल्कुल सही है. Polyembryony. मनीषा का आंसर भी बिल्कुल सही है. Polyembryony होगी.
कैशियो इज फॉल्स रूट, गुआवा इज ट्रू, बताओ इसका आंसर आप बताओगे, कैशियो फॉल्स क्यों है और गुआवा ट्रू क्यों है? एंडोस्पर्म सही है, पीईएन सही है, नहीं एंडोस्पर्म सही नहीं है, एंडोस्पर्म आप सही नहीं बोल सकते बिकॉज वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा, पीईएन विल बी द करेक्ट वर्ड, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कैशियो वाला, ये कैशियो एक फॉल्स फ्रूट है, गुआवा ट्रू फ्रूट, क्या कारण है? जवाब नहीं आ रहा तो मैं ही बता दूं क्या, इतना टाइम मतलब थोड़ा आपको टाइपिंग में टाइम लग सकता है, तो मैं ही बता देता हूं। कैशियो में, कैशियो जो फ्रूट बना है वो कहां से बना है? दैट इज फ्रॉम थैलेमस, आंसर आ जाएगा। और गुआवा में जो बना है दैट इज फ्रॉम ओवरी, पार्थिनोकार्पिक नहीं, पार्थिनोकार्पिक नहीं है भाई, कैशियो में जो फ्रूट बना है वो थैलेमस से बना है, इसलिए वो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आ रहा है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है वो, अगर वो पार्थिनोकार्पिक होता तो वो फ्रूट विदाउट सीड होता, ठीक है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन इज अकरेंस ऑफ टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिमगेमी ट्रिपल फ्यूजन, अगर आपने ये बताया है तो एक नंबर मिला, सिमगेमी एक्सप्लेन करा एक नंबर मिला, ट्रिपल फ्यूजन एक्सप्लेन करा एक नंबर मिला, अदर देन ओवरी, बिल्कुल सही, अदर देन ओवरी डेवलपमेंट, और वो बताओगे कि थैलेमस से डेवलप हुआ है। देखो सम ऑफ द न्यू सेलर सेल्स प्रोट्रूड इनटू, तो उससे पॉली एम्ब्रियो नहीं होगी, इसको एक्सप्लेन कर देना एक नंबर। कैशियो में थैलेमस से हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ देन ओवरी या ओवरी के किसी और पार्ट से, कुछ भी लिख दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नंबर पूरा, दो नंबर पूरे, एक ही का है ना, एक नंबर पूरा मिल जाएगा। कैशियो का भी बताना है और जो दूसरा एग्जांपल दिया था वो भी बताना पड़ेगा, गुआवा, गुआवा में ओवरी से बनता है, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रकार से पांच नंबर जो है पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन, एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन यूज इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इनमें से जो यूज होते हैं उनको एक्सपैंड करो और एक्सप्लेन करो। सबसे पहला गिफ्ट, अरे गिफ्ट तो यूज ही नहीं होता टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। Expand and explain the following techniques used in. चलो कोई नहीं, expand तो करो। Gamete intrafallopian transfer. ये किस female में होगा? उस female में जिसमें gamete नहीं बन पा रहा, ovum नहीं बन पा रहा। उसमें हम किसी donor से ovum लेंगे और उसके fallopian tube के अंदर लगा देंगे। ये है gift. Zift. अच्छा, इसमें ना answer में यार, चलो ठीक है। Zift में zygote intrafallopian tube transfer हो रहा है। और IUI का full form है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। देखो यार, IUI और गिफ्ट दोनों में ही गैमेट फॉर वुमेन, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मोनिशा का आंसर, बिल्कुल सही है। गिफ्ट और IUI इन दोनों में ही टेस्ट ट्यूब बेबी का तो कोई है ही नहीं बात, ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी में इन विट्रो, तो ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ मार्क्स मिलेंगे। हाँ, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बिल्कुल सही है। जिफ्ट वाले में, जिफ्ट में एक्सप्लेन कैसे करोगे यार? वो है फीमेल जिसमें मान लो कोई फर्टिलाइजेशन का एनवायरनमेंट नहीं आ रहा, तो फर्टिलाइजेशन करवा दी, बाहर से करवा दी और उसको हमने उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया। और इसमें आपको ये चीज बताना जरूरी है कि वो 8 ब्लास्टोमेयर्स तक का ही होना चाहिए, बिकॉज 8 से 12 तो हम उसको यूटरस में डालेंगे ना। ओके यस, तो कुछ ना कुछ इसमें मार्क्स मिलने चाहिए क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन में क्या है? वो मेल, इसमें मेल की गलती होती है, मतलब मेल कुछ कर नहीं पा रहा, तो मेल में क्या है वो नहीं होती, इरेक्शन नहीं हो पा रहा है ना, उसके कारण ये लो स्पर्म काउंट है, उसके कारण हमने किसी डोनर से जो है फीमेल के डायरेक्टली यूटरस के अंदर ही डाल दिया, किस चीज को, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, सीमेन को इंजेक्ट कर दिया। तो देखो गिफ्ट बता दिया, आधा नंबर मिलेगा गिफ्ट बताने का, और उसको एक्सप्लेन करने का आधा नंबर, तो एक नंबर ही हो गया। फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट इम्प्लांट, बिल्कुल सही है। जिफ्ट में जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स ट्रांसफर इन दी फेलोपियन ट्यूब, तो इसका एक नंबर। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज नो रोल इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, अगर बच्चा ये भी लिख देगा ना कि इसका कोई रोल नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला था, तो भी उसको एक नंबर मिल जाएगा। इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर हस्बैंड, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, इट हैज नो रोल इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें भी लिख सकते हो, तो एक नंबर एक नंबर एक नंबर, तीन नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है? सबसे पहले उन्होंने कहा बी फ्रॉम ए, हाँ डेवलपमेंट में प्रोसेस बताना है कि बी ए से कैसे बन रहा है। ठाकुर साजन शिव शंकर, हाय हाय, बी से ए कैसे बन रहा है? देखो बी है ये और ए है ये, अच्छा ए से बी, सॉरी ए से बी कैसे बन रहा है? सबसे पहले ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो बिल्कुल बाहर वाले सेल्स हैं, दीज़ आर स्पर्मेटोगोनिया, ये है प्राइमरी स्पर्मेटिड, ये है सेकेंडरी स्पर्मेटिड। तो बोला प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटिड कैसे बनता था? जब मियोसिस वन कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें आपको मियोसिस वन का जिक्र करना जरूरी है कि जब मियोसिस वन कंप्लीट तब बन जाएगा। देन ई फ्रॉम बी, ई स्पर्म है, डी स्पर्मेटेड है, ई फ्रॉम डी स्पर्मिएशन, सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, डी फ्रॉम बी
डी यानी कि स्पर्मेटिड फ्रॉम बी यानी कि सेकेंडरी ओसाइट से स्पर्मेटिड कैसे बन रहा था, स्पर्मेजेनेसिस सही है, सेकेंडरी ओसाइट से स्पर्मेटिड कैसे बन रहा था बाय कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू। आइडेंटिफाई एडीसी, एडीसी को आइडेंटिफाई करो, ए क्या है, ए है आपके पास ये सेकेंडरी, बी नहीं ए प्राइमरी है बी सेकेंडरी है और सी सटोली सेल है, बिकॉज देखो इसी तरह से एक हॉल सेल में ये इम्बेड पड़ा है तो ये सी सटोली सेल है, तो देखो इसके आंसर की में क्या है, फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन लिखा आधा नंबर मिला, तो या एक नंबर हमने दे दिया कि स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। अच्छा देखो स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो तो भी आंसर सही है, बिकॉज मैंने फ्लो चार्ट में डिफरेंशिएशन लिखा है, टेक्स्ट में स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है। नेक्स्ट सेकंड म्यूटेंट डिवीजन लिखा सही है, तो डेढ़ नंबर इसको यहाँ पे मिल गया पहले पार्ट का, प्राइमरी सेकेंडरी और सेटोली, तो डेढ़ नंबर यहाँ पे मिल गया, तो टोटल तीन नंबर मिल गए। नेक्स्ट दो नंबर का क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता था। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले एमएमसी या पीएमसी है ना, पीएमसी ले लो, पीएमसी से क्या बनते थे, टेट्राड बनेगा माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अच्छा फिर पीएमसी भी कैसे बना, स्पोर टिश्यू के हर सेल को हमने कहा पीएमसी और उसने नॉट क्लियर, क्या नॉट क्लियर पिछला क्वेश्चन, हेलो आवाज नॉट क्लियर है कि क्या नॉट क्लियर है ये बताओ पहले, बता देना तब तक मैं ये करवाता हूँ ना। तो स्पोरोजेनस टिश्यू से जब पीएमसी बना, हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू का पीएमसी बनाता है ना, और उस पीएमसी से टेट्राड बनता है जब वो मियोसिस वन, तो यहाँ पे आप मियोसिस करता है, मियोसिस वन वगैरह टू वगैरह नहीं होता है, इसमें सिंपल मियोसिस होती है, तो अगर उसने मियोसिस कंप्लीट कर ली टेट्राड बन गया, और हर एक टेट्राड के हर एक माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नॉट क्लियर, तो बता रहा हूँ एक मिनट, हेलो द स्क्रीन, स्क्रीन इज नॉट क्लियर, एक मिनट ब्लर दिख रही है क्या, कुछ ऐसा है क्या यार, यहाँ से तो मैंने क्लियर ही रखी हुई है, अब आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट प्रॉपर विजिबल। चलो देखो मैं बोल तो रही हूँ क्वेश्चन, वहां से देख लो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा उसकी बात हो रही है। तो टेट्राड बन गया माइक्रोस्पोर का, एक माइक्रोस्पोर से चेंजेस होके मैच्योर बनता है और उससे दो सेल बन जाते थे जब असिमेट्रिकल स्पिंडल बनता था, है ना, और जब डिवीजन होती थी तो दो सेल, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल क्लियर है, आई डोंट नो, वेजिटेटिव सेल लार्ज था, जनरेटिव सेल स्मॉल था, तो ये सब बता देना है ना, और उसको हमने कहा मैच्योर पोलन ग्रेन। Why is it called the male gametophyte? ये male gametophyte क्यों कह रहे हैं इसको हम? Because इसके अंदर generative cell है, जो कि divide करके क्या बना लेगा generative cell? It will divide and form the male gametes. तो यहाँ पे यही answer होना चाहिए, देखो answer देखो, cells of sporogenesis, देखो पहले sporogenesis issue PMC बताना है, ये बताना जरूरी है, आधे आधे number के दो points आपको लिखने थे, ये बता दिया, इन्होंने meiosis करी ताकि tetrad बन जाए, और tetrad में से हर एक mature होकर dissociate होकर pollen grain बन गया, इसको हमने कहा male gametophyte. बिकॉज इसमें जनरेटिव सेल है जो कि डिवाइड करता है ताकि दो मेल गैमेट बन सके, तो ये भी एक आंसर हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू, एमसीक्यू आंसर बोलो, इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, मेल गैमेट्स, हाँ मेल गैमेट्स बनते हैं ना, अब इसका आंसर बताओ, अ ह्यूमन मेल डिसाइड्स टू अडॉप्ट अ सर्जिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, आइडेंटिफाई द पॉइंट इन द डायग्राम वेयर अ कट वुड बी मेड एंड टाइड, मतलब वास डिफरेंस को आपको बताना है कि वास डिफरेंस कहाँ पे है, आंसर बोलो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, मैं ही बता दूं क्या, ओके तो देखो वास डिफरेंस देखो कहाँ पे है, ये तो ये वास डिफरेंस थोड़ी है यार, दिस इज नॉट वास डिफरेंस, ये भी वास डिफरेंस नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर की यार, मेरे ख्याल से चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों ये वास डिफरेंस है, बिकॉज वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस से होके यूट्रस तक ऊपर लूप करके, क्यों बिल्कुल सही है, क्यों क्यों, अब आंसर आ गया, यानी क्यों इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन, ये देखो सी ऑप्शन पॉइंट क्यू आपका आंसर है। अच्छा इन्होंने क्या लिखा है ना, अगर आपने बच्चे ने अगर किसी ने सी लिखा है या पॉइंट क्यू लिखा है तो उसको एक नंबर, बट ये नहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी ने सी लिख के आंसर कोई और लिख दिया तो क्या होगा बिल्कुल सही है आंसर, वास डिफरेंस। नेक्स्ट हॉर्मोन्स को मैच करो, हॉर्मोन्स को मैच करो, सबसे पहला HCG, देखो HCG प्लेसेंटा का है तो R का वन होना चाहिए, R का वन इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, क्यू चेक करो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन किसका हॉर्मोन है, ओवरी का हार्मोन है ना, तो क्यू का होना चाहिए 4, तो क्यू का 4 इस ऑप्शन में है सिर्फ, तो यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेट्स चेक इट आउट एज वेल, देखो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये वाला आंसर आप बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लाइफ
लॉन्गेस्ट पीरियड तक कौन जिंदा रहा, कौन सा पॉलिन ग्रेन था जो जिंदा था, सीड किसके थे, सॉरी दो 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 एग्जांपल पढ़े थे, लुपाइनस आर्कटाइकस और फिनिक्स डिक्टियोटा, फिनिक्स डिक्टिफिला। तो यही है आपका आंसर, यही होना चाहिए। सी सी तो आप पीछे वाले को बता दो, इसको बताओ, इसका आंसर बताओ। बाकी तो आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, है ना, युक्का सुना होगा, मैंजी फ्रेंडी का सुना है, मैंगो, मैंगो का थोड़ी है यार, ठीक है, ये युक्का प्लांट सुना होगा, बट ये नहीं है। आंसर क्या होगा, फिनिक्स डेक्टिलिफेरा, बिकॉज ये आपने पढ़ा था कि इसका 2000 साल था मेरे ख्याल, आई डोंट रिमेम्बर, बट इसका हाई था क्या पोलन जो है वो वायबिलिटी। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। देखो यहाँ पे भी आंसर में इन्होंने ए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट, इकोलॉजी यूनिट, इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट हो रही है, इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट हो रही है। विद दिस इकोलॉजी यूनिट आपका एक सेट के पेपर, अभी सिर्फ एक ही सेट चल रहा है, ये एक सेट में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शंस विद एग्जांपल ऑफ वन ईच। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या लिखोगे, ये बर्ड में देखने को मिलती है, जिनमें बर्ड अपने एग को दूसरे बर्ड की तरह सिमिलर बनाएगा, सिमिलर होता है उनका देखने में एग, है ना, और इस कारण से वो दूसरे बर्ड के नेस्ट में जाके अंडा दे आता था और दूसरा बर्ड उसकी केयर करता था जैसे वो खुद का ही अंडा हो उसका, ठीक है। इसको जो बर्ड अंडा ले कर रहा है वो पैरासाइट है और जो केयर कर रहा है वो होस्ट है, तो ये याद रखना, होस्ट और पैरासाइट बताना जरूरी है। को एवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, बट को एवोल्यूशन आप बताओगे कि टाइट वन टू वन रिलेशनशिप होता है पोलिनेटर्स वाला, है ना, कि पोलिनेटर्स में टाइट वन टू वन रिलेशनशिप था, इसमें आप वो बता सकते हो जो वो फिग वाला बता सकते हो, फिग एंड वास्प, और आप इसमें वो भी बता सकते हो जो लास्ट वाला था, ऑर्फिस, ऑर्फिस वाला जो है कि एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड वाला एग्जाम्पल, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कि अगर फीमेल ने अपनी बॉडी को चेंज कर लिया, फीमेल बी ने, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, दिस इज कोएवोल्यूशन, तो ये आप इसमें बताओगे। और ब्रूड पैरासिटिज्म में एग्जांपल हो जाएगा कुकू का और कोयल का, तो कोयल और क्रो का, देखो कुकू इन द नेस्ट ऑफ क्रो, एक नंबर मिला। पैरासिटिक बर्ड लेज रिजेंबलिंग एंड्स इन द होस्ट नेस्ट, तो ये आधा नंबर मिल गया। नेक्स्ट, व्हेन एवोल्यूशन ऑफ वन स्पीसीज टाइटली लिंक्ड, टाइटली लिंक्ड लिखना जरूरी है, आधा नंबर मिलेगा। सेकेंडली, प्लांट पोलिनेटर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, प्लांट पोलिनेशन का इंटरेक्शन दे दो, है ना, फिग और स्पीशीज का और वाफ का, कोई भी बाकी एग्जांपल भी आप दे सकते हो जो कि को एवोल्यूशन का हो, तो इससे आपको 3 नंबर मिल गए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आइडेंटिफाई टू प्रोड्यूसर्स एंड टू कार्निवोर्स। तो प्रोड्यूसर्स तो सबसे नीचे होंगे, तो 1 2 3, ये तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, ये तीनों प्रोड्यूसर्स हैं, इनको खाने वाले कार्निवोर हर्बीवोर होंगे ना, तो इनको खाने वाले हर्बीवोर, ये 4 5 हर्बीवोर है और बाकी सारे कार्निवोर ही होंगे, तो ये चारों ही क्या है, कार्निवोर्स हैं। 6 7 8 9 कार्निवोर्स हैं, 1 2 3 प्रोड्यूसर्स हैं, 1 2 3 प्रोड्यूसर्स, 6 7 8 9 कार्निवोर्स, 1 2 3 प्रोड्यूसर्स, 6 7 8 9 कार्निवोर्स। हाफ मार्क फॉर एनी वन करेक्ट कार्निवोर एंड हाफ मार्क फॉर एनी वन करेक्ट प्रोड्यूसर, तो इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। इज इट पॉसिबल टू मेक एन इकोलॉजिकल पिरामिड डिपिक्टिंग दिस फूड वेब, गिव रीजंस, क्या हम इसका इकोलॉजिकल पिरामिड बना पाएंगे, नहीं पिरामिड तो नहीं बन पाएगा, अगर हम कह रहे हैं नो तो इसलिए नहीं बन पाएगा, बिकॉज पिरामिड में आपका इस प्रकार से आप लिंकेज कैसे दिखाओगे, वेब्स को कैसे दिखाओगे, वेब का पिरामिड नहीं बन सकता, फूड चेन होती तो उसका पिरामिड बन सकता था। अगर कोई बोले कि यार आंसर यस भी तो हो सकता है, यार इन सब फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही है ना, अलग अलग हम अलग अलग वो बना सकते हैं ना पिरामिड, इस फूड चेन का अलग पिरामिड, इस फूड चेन का अलग, तो हाँ उससे तो बन सकता है, यानी कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता था, नो भी हो सकता था, यस भी, इन्होंने यहाँ पे लिया भी है नो, क्यों, बिकॉज पिरामिड में फूड वेब के पिरामिड नहीं होते। यस आप इसलिए लिख सकते हो बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक से मतलब एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आया हो, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। तो इसमें वो आप अफ्रीकन कैटफिश जब आई थी इंडिया में इलीगली, वो वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें हो सकता है पार्थीनियम का, पार्थीनियम कैरेट ग्रास जो आई थी इंडिया में, उसने बाकी सबके साथ कम्पीट किया, बाकी सबकी ग्रोथ कम हो गई, पार्थीनियम यूबिक्विटस हो गई। और आप कह सकते हो वाटर हाइसेंथ का, सेम एग्जांपल वाटर हाइसेंथ का दे सकते हो, और भी जो इकोलॉजी में आपको एग्जांपल्स दिए थे इस चीज के, वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देखो क्या क्या एग्जांपल्स आपने इनमें कहा, नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया, जिससे 200 स्पीशीज किडलिश फिश की मर गई, है ना, तो अगर आपने ये सब बताया है कि नाइल पर्च आई थी, कहाँ पे आई थी और उसे क्या हुआ था, तो इसलिए आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अफ्रीकन कैटफिश का वो मैंने एग्जाम्पल दिया जिससे जिससे इंडिजिनस कैटफिश को खतरा हो रहा है, गोट नहीं, अरे गोट वाला एग्जाम्पल नहीं आएगा, देखो वो इन्वेजिव थोड़ी हुई थी, गोट तो चरती ज्यादा थी, इन्वेजिव का मतलब है कि गोट ने इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लिया कि हर जगह गोट ही गोट हो गई, बट वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे गलत होगा बिकॉज वो इन्वेजिव नहीं हुई थी,
वो तो बेचारा टोटोइज अभिनंदन टोटोइज जो था वो गोट को देख के घबरा गया कि इतनी तेज तेज कैसे खा रही है, और फिर वो एक्सीडेंट खुद से हो गया है ना। तो वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। और यहाँ पे कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हो रही थी, सिर्फ उनका कम उनका नंबर कम हो गया। कह सकते हो कि हाँ एक्सटिंक्ट भी कह सकते हो, बट स्टिल गोट वाला एग्जाम्पल अलग है, उसको आप अलग सेंस में मत जोड़ो। वो उस चीज का एग्जाम्पल है कि यार कई कई बार क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव जब वो देखता है कोई, तो वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल था, है ना। तो वो अलग चीज है कि यार जो है क्या था टर्टल, उसको देख के घबरा गया कि यार इतनी तेज तेज कैसे खा रहा है, और वो फिर कुछ कर ही नहीं पाया टर्टल। देन वाटर हाइसेंस का एग्जाम्पल दे दो, पार्थिनियम कैटरन का कैरेट ग्रास एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो तो दो नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, तीन एमसीक्यूज एक ही पेज पे हैं, तो तीनों के आंसर साथ में बता दो या बारी बारी बता दो। बोलो 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 बोलो। पहला एग्जाम्पल, पहला एमसीक्यू, ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड्स टू हैबिटेट लॉस विच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन फॉर्मिंग स्मॉलर पैचेस ऑफ हैबिटेट्स। Select the statement that describe how a patch differ from large patch of same habitat. एक छोटा पैच बड़े पैच से कैसे अलग होगा? Invasive species will never be seen here. क्या इनमें invasive species नहीं दिखेंगी? Population of large animals कम हो जाएगी? Biodiversity, हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि biodiversity कम हो जाती है, तो जिस option में third वाला नहीं है वो आप हटा दो, तो ये हट गया। Then competition from surrounding habitats increase, हाँ competition भी बढ़ जाएगा, बिकॉज अब जगह कम है और उसमें रहने वाले बंदे ज्यादा हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो थ्री एंड फोर आंसर होना चाहिए, थ्री फोर, और थ्री फोर के साथ यही वाला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। सेकंड ऑप्शन, पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल डिक्रीज, हाँ पॉपुलेशन भी छोटे कम हो जाएगी ना, तो ए ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ है ना। तो लेट्स चेक इट एज वेल, चेक बाद में कर लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए। आप भी लिख दो अपने आंसर जो कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, डोंट नो, अच्छा कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट एग्जिबिट पैरासिटिक रिलेशनशिप, जो पैरासाइट नहीं है। हेड लाइस ऑन ह्यूमन, हाँ ह्यूमन के सिर पे जुए तो वो तो पैरासाइट ही है। टिक्स ऑन डॉग्स पैरासाइट है। कैस्कटा ऑन, कैस्कटा से एक अमर बेल थी है ना, वो अगर मैंगो ट्री पे है तो वो एक एग्जाम्पल किस चीज का है, पैरासाइट का ही एग्जाम्पल है। फीमेल एनोफिलिस, दिस इज नॉट अ पैरासाइट, ये पैरासिटिक नहीं बोल सकते हम इसको, बिकॉज ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमको चूसती है, वैसे नहीं चूसती है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फंगस दैट राइपन्स द फेमस रॉकफोर्ट चीज, तो इसका सर्विस ही नहीं गलत, प्रोपियोनी बैक्टीरिया शर्मा नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल सी सी सही है, बट टेंथ का बताओ। मोनेस्कस परपुरस नहीं, पेनिसिलिन नोटेटम नहीं, यार कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें। तो इसमें आंसर था कोई फंगस थी जिसके एंड पे रॉक फोर्ट ही आता था, इसमें वो आंसर है, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मे बी इसका कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो हमारे आंसर हैं ए सी, और इसका कोई आंसर आप इसमें है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसका कोई आंसर मैच ना कर रहा हो तो आप उसमें जरूर क्वेश्चन नंबर डाल के आना है और कोई भी आंसर लिख देना। जैसे मैंने इसका कह दिया ए, खुद ही नंबर मिल जाएगा अगर गलत होगा, तो क्वेश्चन गलत है तो खुद मार्क्स मिलेंगे। तो ए सी ए लिखा मैंने, यहाँ पे ए है सी है, और मार्क्स टू बी अवॉइडेड इफ अटेम्प्टेड, अगर अटेम्प्ट किया है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं बी क्यों होगा यार। ये शर्मा, ये स्विस चीज का था, स्विस चीज का एग्जाम्पल, ये स्विस चीज को बनाने वाला था, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी स्विस चीज को बनाने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसलिए इन्होंने कहता है कि यार इसका कोई आंसर ही नहीं दिया हुआ इन्होंने, तो मार्क मिलेगा अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अगला assertion reason based, the number of white winged moth decreased drastically after industrialization, बिल्कुल सही है, assertion तो true है, because after industrialization lichens हट गई तो white wing अब दिखने लगी, तो वो कम हो गई उनका नंबर। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ाया है? हाँ जी पढ़ाया है, कहाँ पे पढ़ाया? लाइव सेक्शन में जाओ चैप्टर, इस चैनल पे लाइव सेक्शन में जाओगे तो लाइव सेक्शन में आपको दिखेगा वो चैप्टर। पूरी यूनिट जब मैंने करवाई थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सॉरी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पे है वो चैप्टर। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर मार्क्ड इन रूरल एरिया, देखो यार रूरल एरिया में तो था ही नहीं ना इफेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रीज तो फॉरन, जो बता दिया रूरल एरिया में इफेक्ट कम था, तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, तो रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, assertion true, reason false, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑर्फिस यूजेस सेक्सुअल डिसीट टू गेट पोलिनेटेड बाय स्पीशीज ऑफ बी, बिल्कुल सही, assertion true है इसका। ओके तरन, हाँ इसका तो सी ठीक है, नीचे लिखा बताओ, फीमेल बी चेंजेस इट्स कलर डिपेंडिंग, देखो यार ये कह रहे हैं कि फीमेल अपना कलर को चेंज कर लेती थी, बिल्कुल गलत, फीमेल अपने नहीं, फीमेल में अगर कोई चेंज हुआ
तो वो मेल फ्लावर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फीमेल में चेंज ऐसा तो कुछ हाई था ही नहीं वहां पे, तो ये असम्पशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी कि इसका आंसर भी सी ही होगा, इसका भी सी होगा, लॉयल ऑटम मतलब मोनिशा, बिल्कुल सही आंसर, तो सी सी होना चाहिए मेरे ख्याल। देखो क्वेश्चन नंबर कौन से हैं ये, 14 16, 14 का सी है, 16 का सी है, दोनों का सही है आंसर। नेक्स्ट, अब ये तो एक सेट हो गया कंप्लीट, बाकी सेट से जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखो, फ्रॉम अदर सेट्स, बाकी सेट से एक क्वेश्चन ये था, मैच द करेक्ट ऑप्शंस, मैच द करेक्ट ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट ऑप्शन, बोलो। टेलीस्पर्म, टेलीस्पर्म किसमें देखने को मिलता था, यहाँ पे न्यूक्लियस के कुछ ना कुछ पार्ट रह गए सीड के अंदर, देखो ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर होगा पी का सेकेंड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन एक ही साथ आ गए, बोलो इसका आंसर क्या होगा, एक्टिव ड्यूरिंग ओविलेटरी फेज ऑफ मेंसुरल साइकिल, ओविलेटरी फेज में कौन से एक्टिव होंगे, FSH एंड LH, बिकॉज ओविलेटरी मतलब ओवम वगैरह बनना होगा, तो FSH LH हो सकता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट इज नॉट ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑसिलेटरिया ऑटोट्रॉफ है, एनाबियाना ऑटोट्रॉफ है, नॉस्टोक ऑटोट्रॉफ है, बट राइजोबियम इज नॉट ऑटोट्रॉफ, ए ऑप्शन सही है। सेवंथ का बी, एट्थ का देखो, अब देखो ये सेट चेंज हो गया ना, 57 3 2 हो गया, अब पहले 57 3 1 था। अगला, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, बताओ कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट कर सकता है पिरामिड ऑफ नंबर को, सबसे बड़ा ऊपर वाला है और नीचे वाला है, तो जो ग्रास और टाइगर का नंबर लगभग सेम है, तो ये तो गलत है, सी ग्रास रैबिट फॉक्स फ्ली, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, आप पीछे वाले को तो नहीं बता रहे, पीछे वाले को तो बी था ना, तो इसका सी है, इसका सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं भाई इसका सी, यशोदा देवी जी, इसका सी होगा, चीता का नंबर ज्यादा थोड़ी होता, चीता का नंबर ज्यादा होता तो फिर ये, चीता का नंबर तो सबसे कम होगा ना इन सब में से, तो नंबर तो चीता का सबसे कम है, तो वो ऐसा बनेगा ग्राफ, बट यहाँ पे दूसरे तरह से दिया हुआ है, तो ये इसका सी ही ऑप्शन होना चाहिए मेरे ख्याल, आप पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो बी। नेक्स्ट, अजॉर्प्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अजॉर्प्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन सेम ही रहेंगे, ऑप्शन वही है, अजॉर्प्शन टू रीजन फॉल्स और रीजन टू अजॉर्प्शन फॉल्स, लास्ट के दो, बाकी पहले के दो तो सेम ही रहते हैं, इसका आंसर बताओ, 13th का आंसर बताया जाए, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, F2 जनरेशन में टॉल एंड ड्वार्फ की रेशियो 3:1 थी, हाँ, देयर इज नो ब्लेंडिंग, क्या ट्रेट्स ब्लेंड नहीं हो रहे थे, हाँ नहीं हो रहे थे, तो इसी कारण से तो ये आंसर आया, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होना चाहिए। होमो सेपियंस चिंपैंजी की तरह जो दिखने वाले थे उनसे आए हैं, हाँ, बिकॉज हम दोनों में चिंपैंजी में और होमो सेपियंस में साइटोक्रोम सी बनता है, तो आंसर रिलेटेबल तो लग रहा है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करी गई, बिल्कुल सही है, बिकॉज उसमें आईजीई आईजीजी है, नहीं गलत, यानी कि उसमें आईजीए होता था, इम्यूनोग्लोबिन ए होता था, तो इसका रीजन गलत है, यानी अजम्पशन टू रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन। मोनार्च बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल थी बिकॉज उसकी रफ स्किन है, नहीं डिस्टेस्टफुल तो थी बिकॉज उसने अपने अंदर एक केमिकल जो कि उसने कैटरपिलर फॉर्म में जब थी तब उसने खाया था एक केमिकल पॉइजनस वीड, तब उस कारण से है, तो इसका भी आंसर सी होना चाहिए, तो ए ए सी सी, ए ए सी सी, ये तो सही है, बाकी भी एक बार चेक करेंगे, बट पहले जो एक बच गया क्वेश्चन उसको देखो। हनी बीज के रिलेटेड बतानी है कौन से स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, हनी बीज में मेल हनी बीज के बारे में बात हो रही है, और सिर्फ हनी बीज मेल हनी बीज में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में, ट्रू है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जिसमें नहीं है वो आप स्टेटमेंट उड़ा दो, तो देखो इन तीनों में नहीं है तो आंसर होगा ए ऑप्शन, बट फिर भी हम बाकी देख लेते हैं, इनमें स्पर्म मियोसिस की तरह बनेगा, नहीं इसमें तो माइटोसिस होगी ना, मियोसिस होगी तो क्या हैप्लोइड में मियोसिस नहीं होती, ठीक है, दे हैव अ ग्रैंडफादर बट नो फादर, बिल्कुल सही है, All males in the colony are haploid except one. False. सारे ही males किसी को भी छोड़ के नहीं, सारे males haploid ही होते हैं. Then इसका answer A हो गया. अब match भी कर लो. Second का A लिखा है. Second का A ही दिया हुआ है. और fourth का B किया, sixth का A किया, seventh का B किया. Fourth का B किया, sixth का A किया, seventh का B. तो fourth का B, sixth का A, seventh का B. देखो sixth के उन्होंने B और C भी बताया कि B और C भी आप answer में डाल सकते हो. LH और estrogen और FSH और estrogen दोनों भी आप answer में डाल सकते हो. और बोलो और कौन सा क्वेश्चन है, 11th सी, तो 11th का सी, ये क्वेश्चंस अलग क्वेश्चंस थे जो कि इस सेट में अलग क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर दिया। आगे, लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स दैट लीड टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया, एक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कम हो सकती थी, दो फैक्टर थे, चार फैक्टर टोटल थे जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे थे, उनमें से दो थे जो कम कर रहे थे और दो थे जो बढ़ा रहे थे, तो जो कम कर रहे थे वो कौन से हो रहे थे, सबसे पहला डेथ रेट,
अच्छा इसमें आप डेथ रेट नहीं बोलते थे, डेथ रेट आप कहाँ बोलते थे, जब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पूछा गया हो, जब ये पॉइंट्स की बात हो रही है तो आप इसमें बोलते थे डेथ, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन। अरे नहीं नहीं भाई, आपको बोला गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो तो एमिग्रेशन से होती थी ना, एमिग्रेशन आएगा। मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन, मोर्टेलिटी को एक्सप्लेन कर देना कितने डेथ हो रही है, एमिग्रेशन कितने लोग बाहर जा रहे हैं, तो एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मोर्टेलिटी लिख लो या डेथ रेट लिखो, मतलब सेम है। इस प्रकार से एमिग्रेशन आएगा आंसर में, ठीक है, जो कि इन्होंने वो लोग जिन्होंने छोड़े ये जगह, मोर्टेलिटी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉलोइंग, रिड्यूसिंग द शुगर कंटेंट इन ग्रेप जूस, ग्रेप जूस में शुगर को कौन कम करता था, ग्रेप जूस में शुगर को फर्मेंटेशन के कारण कौन कम करता था, ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट, इसका नाम था सेक्रोमाइसिस सर्विसी। तो आप नाम भी बता सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ऊपर नाम पूछा नहीं है ना, तो आप इसमें नाम भी बता सकते हो और साथ ही में सिर्फ यीस्ट ही लिख के छोड़ सकते हो, ब्रीवर्स यीस्ट। वो क्या करेगी, इसको फर्मेंट कर देगी और उसके कारण इसके शुगर कंटेंट कम हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, इसमें मिथेनोजन आ जाएंगे, मिथेनोजन्स वो किसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो काउडंग के ऊपर एक्ट करते थे, और क्या करते थे वहां पे, काउडंग के अंदर ही होते थे ना, और उसमें एक्ट करके वो बायोगैस बनाते थे। तो ये आपको लिख देना है इसमें आंसर। देखो सेक्रोमाइसिस सर्विसी लिख दिया या यीस्ट लिख दिया, मतलब सेम है। आपसे नाम नहीं पूछा गया, अगर नाम नहीं पूछा गया तो आप बताओ या ना बताओ, आपको नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। फर्मेंट ग्रेप, ग्रेप जूस फर्मेंट हो गया तो आपको एक नंबर मिला। नेक्स्ट, मिथेनोजेंस एनरोबिकली एक्ट करेंगे सेलुलोसिक मटेरियल पे, जिससे बायोगैस बनेगी, तो एक नंबर और मिल गया, यानी दो नंबर आपको मिल गए। हाँ बिल्कुल सही है, बायोगैस। नेक्स्ट सेक्शन सी से एक क्वेश्चन, 3 नंबर का, रिप्रोडक्शन वाला, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या है, एक्स प्राइमरी, प्राइमरी उस साइड दिखाया हुआ है, तो एक्स इज प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। टाइम व्हेन दिस अकर्स, टाइम व्हेन द प्रोसेस अकर्स इन अ ह्यूमन फीमेल, कब प्राइमरी फॉलिकल कब बनता है, प्राइमरी फॉलिकल बनने के लिए सबसे पहले चाइल्डहुड में बनता है ना ये, तो इसमें आप लिख सकते हो चाइल्डहुड में, और कब कब बनता है प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी ओसाइट कब बनता था, वो आपको इसमें बता देना है। देन आइडेंटिफाई वाई, वाई क्या है, वाई इज सेकेंडरी ओसाइट, बिकॉज ये सेंटर में दिखा दो, सेकेंडरी ओसाइट किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्राफीन फॉलिकल के अंदर। हाउ इज इट फॉर्म्ड, कैसे बना, उसमें क्या हुआ, प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस वन कंप्लीट हो गया, उससे बन गया फॉलिकुलर फेज। हाँ फॉलिकुलर फेज नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो आप इसमें एक्सप्लेन करना, प्राइमरी फॉलिकल कब बनता है, फॉलिकुलर फेज में बनता है, चाइल्डहुड में होता है ना, और ये सारा ऐसा नहीं यार, ये चाइल्डहुड मैंने क्या बोल दिया, फॉलिकुलर फेज इसका आंसर होगा, बिकॉज फॉलिकुलर फेज में बनता है। देन नेक्स्ट, ओजेनेसिस की बात हो रही है ना, तो ओजेनेसिस में फॉलिकुलर फेज तो आता ही है। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेड, जेड है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एलएच रिलीज करता था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रिलीज करता था, कॉर्पस ल्यूटियम एलएच भी रिलीज करता था, प्रोजेस्ट्रॉन, हाँ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन भी लिख सकते हो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी रिलीज करता था, वो भी लिख सकते हो। देखो प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग फीटल स्टेज, देखो मैंने वही कहा ना, फीटल स्टेज लिखना था, फीटल स्टेज आना था आंसर। सेकेंडरी ओसाइट एट फॉलिकुलर, अरे हाँ सेकेंडरी ओसाइट है फॉलिकुलर फेज के बीच में बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल ग्रोथ इन साइड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई, जो कि उसके अंदर होगी, अनइक्वल होगी, तो उससे ये सब आपको बताना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सही है। नेक्स्ट सेक्शन ई में 5 नंबर का क्वेश्चन चेंज होके आ गया है, और देखो जो तो चेंज हुए क्वेश्चन है ना, वो सारे रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स से चेंज होके आ रहे हैं अलग अलग सेट्स में। ए ए पार्ट, फर्स्ट ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, बना लोगे इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है ना, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा था, इंडिकेटिंग दी प्रोसेस, तो उसमें सब कुछ आपको लेवल कर देना है, तीन चार चार पांच लेबलिंग करके आनी है उसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन दी टू न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, एक कंटिन्यूअस है एक नॉन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कोई भी एंजाइम देख दो है ना, हेलिकेज, टोपोइसोमेरेज है, प्राइमेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, लाइगेजेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। नेम द यूकेरियोट वेयर द सेमी कंजर्वेटिव मोड वॉज, अच्छा यूकेरियोट की बात हो रही है, तो विसिया बीन, जो विसिया फावा यानी फावा बीन के बारे में बात हो रही है, तो ये डायग्राम का आंसर, देखो डायग्राम लिखना है और इसमें आपको क्या हाफ मार्क मिलेगा ईच करेक्ट लेवलिंग का, 5 करेक्ट लेवलिंग आपको करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, डिस्कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस बता देना, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेसेस, कोई भी दो आप बता सकते हो, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड भी लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, विसिया फाबा फाबा बीन्स, इससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। यू आर गिवन अ टॉल पी प्लांट विद ग्रीन सीड्स,
जीनोटाइप इज अननोन, इसका जीनोटाइप अननोन है, आपको बताना है कि उसकी आप सिर्फ सेल्फिंग कर सकते हो। सेल्फिंग के बाद आपको बताना है कि वो टॉल वाला उसका जीनोटाइप क्या हुआ। देखो टॉल टी है, टॉल टी टॉल पी है और ग्रीन सीड्स हैं, तो ग्रीन सीड्स का मतलब तो स्मॉल वाई हुआ ना, बट टॉल पी प्लांट कैपिटल टी वाला भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी हो सकता है। तो इनको आपको पहले इसको सेल्फ करोगे, इसको सेल्फ करोगे, इसकी सेल्फिंग से आपको क्या मिलेगा 100% टॉल मिलेंगे, टॉल ग्रीन, और इसकी सेल्फिंग से आपको 50% टॉल ग्रीन मिलेंगे, 50% ड्वार्फ ग्रीन मिलेंगे, 50% ड्वार्फ ग्रीन मिलेंगे। तो इससे आप उसको कंक्लूड कर दोगे जिसमें 50-50% मिल रहे हैं वो हेटरोजाइगस वाला है, इसमें 100% मिले वो होमोजाइगस वाला है। इसके आप सारे क्रॉसेस वगैरह बना देना और सब कुछ इसमें जो भी पूछा गया वो बता देना, यही सब आपको पूछा गया। नेक्स्ट देखो यही है ना आंसर में, पहले हमने वो बना दिया गेमेट वगैरह लिखने के आंसर, आधा नंबर मिलेगा, गेमेट लिखा है तो आधा नंबर मिलेगा, सब कुछ आपको लिखना है, 3:1 रेशो बता देनी है और इस प्रकार से आपको इसको आगे कर देना है, कंटिन्यू बताना है किसमें 3:1 रेशो आ रही है और किसमें सारे टॉल आ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखो आगे दोबारा एमसीक्यू, अब ये तीसरा सेट स्टार्ट हो गया, तीसरा सेट स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड है, इसमें क्या कहा गया है आपको कि ब्लैक पेपर में इनमें से क्या रहता है मैच्योर शरीर में। ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्म, अभी बताया था पीछे, पेरिस्पर्म आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फर्टाइल एंड लीस्ट फर्टाइल डेज, मोस्ट फर्टाइल कौन से होते थे जिनको हम अवॉइड करते थे नेचुरल मेथड में, है ना, तो वो थे आपके पास 10-17, तो ये रहा आंसर बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट, ए बिल्कुल सही है, ए सेकंड का बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा, ये आप बताओगे, ये मुझे भी नहीं पता, ये आप बताओगे, मैं भी आंसर किसे देख के बताऊंगा बिकॉज मुझे भी नहीं पता, इतना डाटा बेस्ड पूछा गया है कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूज बाय हर्शी एंड चेस टू लेवल द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए सल्फर यूज किया गया था, तो S35 ये रहा सी ऑप्शन। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का आंसर बताओ, बिकॉज मीजोजोइक एरा यार मुझे कैसे पता होगा कि क्या है उसमें, ये टेबल कौन याद कर, किसने याद रखा है, मैंने तो नहीं रखा, बोलो हे राम कैसे सुस्ता रहा हूं ना मैं। हेलो यार आंसर बोलो यार, चौथे का आंसर बोलो, चौथे का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बोलो, नहीं तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। S35 माने नहीं, फोर्थ का, फोर्थ ये वाला फोर्थ, मीजोजोइक एरा, S35 तो ठीक है बट मीजोजोइक एरा वाले का बताओ, मीजोजोइक एरा में कौन सा नहीं है, फर्न्स, गिंकगोज, हॉर्सटेल, ब्रायोफाइट्स, तुक्का मार दें, गिंकगोज अलग सा लग रहा है, तो देख के बता देता हूं मैं फोर्थ का, पहले आगे चलो बाकी देखो, फोर्थ का ब्रायोफाइट्स है, बाकी S35। अच्छा इन्होंने इसमें इन्होंने दो आंसर दिए हैं, लीस्ट फर्टाइल 21-28 भी हो सकता है, पता नहीं ना, तो देखो ब्रायोफाइट्स याद रख लो, मीजोजोइक में ब्रायोफाइट्स नहीं है, मोस्ट फर्टाइल 10-17, तो ये वाला आंसर भी ले सकते हो और ए वाला आंसर भी माना जा सकता है 14-21 एंड लीस्ट फर्टाइल 1-7, बिकॉज 1-7 में भी क्या मेंसेस वगैरह हो रहा होता है, उसमें लीस्ट फर्टाइल तो है, पेरिस्पर्म सही है। नेक्स्ट S35 भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फिर से डाटाबेस क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, तो तीसरे सेट में डाटाबेस क्वेश्चन इतने सारे थे, नॉट अ हॉटस्पॉट, इंडो वर्मा रीजन हॉटस्पॉट था, जयंती हिल्स नहीं, ये हॉटस्पॉट नहीं था, ये तो उसमें था जो लास्ट में दिया था, क्या बोलते थे उसको यार, जो लास्ट में क्या था, ये लास्ट में दिया था टॉपिक में, लास्ट में था ये, तो इसको याद रख लो कि ये हॉटस्पॉट तो नहीं था, हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट थे, हिमालयाज थे, बट जयंतिया हिल्स तो नहीं था, देखो जयंतिया हिल्स। नेक्स्ट, अजर्शन रीजन, COVID-19 शॉर्टर लाइफ स्पैन है और वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व करेगा, फास्ट रेट से इवॉल्व करेगा, बिकॉज वो आरएनए है, आरएनए वायरस है ना, वायरस ज्यादा जल्दी इसीलिए तो म्यूटेट करते थे, इसका आंसर होगा ए। बी, बी किस चीज का, हाँ पिछले वाले का बता दो बी, बट X2, हाँ बिल्कुल सही, X2 वाला था यार, इसका ना एक नाम था, कुछ प्रॉपर एक नाम था यार, उन जगहों का मुझे नाम नहीं याद आ रहा कि इनको क्या नाम से जाना गया था, नहीं X2 है, X2 ये ए है। इसका बताओ, फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सही है ये तो सही है ना, कि हम डीएनए जब सीक्वेंसिंग कर रहे थे तो उनके फ्रेगमेंट्स वगैरह करके उनको हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली इतने बेस पेयर्स,
और उसका टोटल एस्टिमेट बड़ा हाई था। तो ये देखो जीनोम की बात हो रही है, जीनोम मतलब हैप्लोइड कंटेंट की, तो हैप्लोइड कंटेंट में तो सही दिया हुआ डाटा, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, बी होना चाहिए इसका। आप बता रहे हो ए, इसका तो ए ठीक है, बट इसका बी बताओ ना। नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट आर श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर देयर। नहीं, प्रोकैरियोटिक का तो हमें अंदाजा ही नहीं लगा, बिकॉज हमारे पास इतने कल्चर मीडियम ही नहीं है जिनमें हम उसको ग्रो कर पाए। तो इसका आंसर होगा डी, असम्पशन फॉल्स रीजन ट्रू। मैरी मेलन कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर मेनी ईयर्स बिकॉज वो खाना बनाती थी और खाने से ही टाइफाइड फैलता था। हाँ देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा खाने की मदद से, तो ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हमने किया ए बी डी ए, ए बी डी ए। नेक्स्ट, नेम द टू इंस्टीट्यूशंस या टू इंस्टीट्यूट्स विच डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। कितना फालतू का रद्दी क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना फालतू का रद्दी क्वेश्चन। तो इसका ए आंसर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा IARI था, और एक था KV खादी एंड कुछ ऐसा, KVIC शायद, लेट्स चेक। हाँ देखो सही है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन एंड IARI, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेम द मेन प्रिंसिपल यूज इन दिस टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा कि यार जो है मिथेनोजन्स वो क्या करेंगे, वो बायोगैस मतलब जो एनिमल्स हैं रूरल एनिमल्स उनके जो कैटल के डंग पे ऊपर है ना, क्या करेंगे उनको एनरोबिकली तोड़ देते थे, उनको एनरोबिकली उनको प्रोड्यूस करेंगे, गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो 22 अगस्त, फिर से ऐसा ही फालतू का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 पे इतनी सारा फायर लग गई थी अमेजोन फॉरेस्ट में, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट बताओ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताओ। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की वहां पे ना जंगल में पूरी हैवॉक मच गई होगी, जानवर यहां से वहां भाग रहे होंगे। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनसे ऑक्सीजन का अमाउंट बड़ा कम हो गया होगा, थोड़ा सा तो फर्क पड़ा होगा, बिकॉज अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो उनको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में वो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें यही आप लिखोगे, शॉर्ट टर्म ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, ग्रीन कवर का लॉस हो रहा है, ये सब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन डिसअपियर या फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट, स्पेसिफिक लोकेशन आपको बतानी है, टेस्टिस में सटोली सेल्स कहाँ पे थे। सटोली सेल्स वर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसका आंसर। लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में थे, लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में थे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन गोनेडोट्रोपिन्स लेडिक सेल एंड सटोली सेल्स एंड देयर रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो ये आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बता सकते हो, तो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या, गोनेडोट्रोपिन्स पिट्यूटरी रिलीज करेगी ना, तो पिट्यूटरी ने रिलीज की गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि एक आया FSH एक आया LH। FSH किसके ऊपर एक्ट किया, FSH एक्ट किया आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस में, FSH किसके ऊपर एक्ट करता था, FSH ने सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करना था ना, सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और LH, अच्छा नहीं LH जब बनता था तो एंड्रोजन बनते थे, और हाँ सर्टोली सेल से क्या बनता था, LH तो लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा ना, तो लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा LH, लेडिक सेल से वो क्या बनवा देगा, एंड्रोजन बना देगा, और सर्टोली सेल से क्या बनते थे, स्पर्म मैचुरिंग फैक्टर जिसमें वो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते थे जो, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे आंसर में लिखना था, मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया, विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा तो ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में लिखा तो भी ठीक है, तो 1 नंबर मिल गया। GnRH लिखा है आधा नंबर, पिट्यूटरी भी लिखा है आधा नंबर, आधा आधा FSH LH लिखने का, लेडिक सेल्स पे सटोली सेल्स पे, और आधा आधा इस चीज का कि क्या कर रहे थे, एंड्रोजन LH, हाँ तो LH से एंड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है और इससे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगी। तो बस इस प्रकार से आपको ये 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे टोटल। अच्छा इसको आप ऐसे छोले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली एंड सेल्स इन मेच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो बना लोगे इस प्रकार से, एग सेल फिलीफॉर्म एपरेटस, एग सेल है, सेंट्रल न्यूक्ली है, तो पोलर न्यूक्ली है ना, ये सब आप इस प्रकार से डायग्राम बना लेना, यहाँ पे लिखना माइक्रोपेलर, यहाँ पे लिखना सलाजा लैंड, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देना इसके अरेंजमेंट, डायग्राम से भी बना सकते हो, देखो डायग्राम भी बनाए उन्होंने, डायग्राम बना सकते हो इस प्रकार से। तो 6 लेवलिंग आपको करेक्ट करनी थी। राम राम भाई सारे ने, राम जी को भी राम राम, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, डिवाइस विच प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी। तो डाइशियस प्लांट जो था, डाइशियस प्लांट, उससे ऑटोगेमी गेटनोगेमी दोनों बैन हो जाती हैं, ऑटोगेमी को रोक रहा है, यानी कि केजनोगेमस फ्लावर्स हो सकते हैं,
नहीं बट कैसे मेरे से पूरी तरह से लुकता नहीं है ना ऑटोगेमस, ऑटोगेम तो इसलिए आप कह सकते हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑटोगेमी नहीं होगी बट गैटनोगेमी हो सकती है, और मोनोशियस फ्लावर होगा ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मोनोशियस एंड यूनिसेक्सुअल डायोशियस। देखो डायोशियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोशियस है, तो ये आप कोई भी एक लिखना था तो आपने लिख दिए, आपको 3 नंबर नहीं 5 का था ना, 5 नंबर मिल गए। नेक्स्ट बायोटेक देख लिया था, थैंक यू, समझ आ गया था क्या, समझ आ गया था ना, प्लीज बता दो। ट्रेस द जर्नी ऑफ जायगोट फ्रॉम इस्थमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब टू द इम्प्लांटेशन, इसको आप ट्रेस करना मतलब इनकम्पैटिबल मतलब, हाँ वही इनकम्पैटिबल, इन्होंने लिखा तो है हर्कोगेमी, अलग अलग जगह पे है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इनकम्पैटिबल है ना। इन्होंने कहा कि आप ट्रेस करके बताओ, सब क्लियर, ओके थैंक यू, ट्रेस करके बताओ कि यहां से ओवरी तक कैसे जो है ये पहुंचता है। तो यहाँ पे इस्थमस रीजन में जायगोट बना, जायगोट ने 2 सेल बन गया, 2 सेल से 8 सेल बनता है, 8 सेल से है ना बढ़ते जाते हैं सेल, 16 सेल, 16 से 32 को हमने कहा मोरेला, फिर ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो गया, ब्लास्टोसिस्ट में चेंज होने के बाद यहाँ पे लग गया, और इम्प्लांटेशन को भी आपको दिखाना है, इम्प्लांटेशन को भी आपको एक्सप्रेस करना है। तो इम्प्लांटेशन जब होती है तो यहाँ पे जब ये अटैच हो जाएगा तो यूट्रस के सेल्स बड़ी जल्दी जल्दी से डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे और इसको अपने अंदर इस तरह से इम्प्लांट कर लेंगे, तो यही आपके पास आंसर में लिखोगे। देखो डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम में आपको 6 लेबलिंग्स करनी पड़ेंगी, प्रॉपर 6 लेबलिंग्स कर दी, आधे आधे नंबर के आपको मिल जाएंगी सारी ठीक है। और लिख भी सकते हो, जैसे क्लीवेज आपने लिखा, क्लीवेज हो रही है, क्लीवेज हो रही है, क्लीवेज से 2, 4, 8, 16 सेल से बन जाएंगे, जिसके कारण उनको हमने कहा ब्लास्टोमेर, 16 to 6 to 18 वाले को हमने कहा मोरेला, फिर वो जाके जाके ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा, ब्लास्टोसिस्ट वहां पे जुड़ जाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट वगैरह ये आप उसमें एक्सप्लेन कर देना ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ठीक है। विद दिस हमारा एक जो है पूरा एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके 3 सेट हमने कंप्लीट करे हैं, सिर्फ 3 सेट कंप्लीट करे, और देखो उसमें हमें कितना टाइम लग गया, हाउ मच टाइम वी हैव टेकन, 1 आवर 41 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में हमने 3 सेट कवर कर लिए, फिर तो ठीक है यार, फिर तो ठीक ठाक हमने टाइम लगाया है मतलब कर लिया। अब आगे यहाँ पे ना मैंने खुद से, जो मैंने आपको कहा था यार, मैंने ना खुद से सॉल्व करा था एक पेपर, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे चेकिंग होगी, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, बट ये डिस्कस भी साथ साथ में हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ड्यूरिंग द एवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज टू हाइड द प्रोटेक्ट, हाइड कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बेबी को, तो ये किसमें होता था, दिस वॉज इन नियंडरथल मैन, नियंडरथल मैन। ये बताओ गिवन बिलो, कॉलम ए को कॉलम बी से मार्क करो, गिफ्ट, गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ ओवम, तो ये रहा गिफ्ट का, गिफ्ट का तो पहले दे दिया उन्होंने, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट 2 ऑप्शंस में है, बी का मैच कर लो, आईसीएसआई डायरेक्टली ओवम में होता था क्या, हाँ बिल्कुल सही है, आईसीएसआई ना डायरेक्टली ओवम में, साइटोप्लाज्म में होता था ना ओवम के, तो ये सही है, यानी कि बी का 3 होना चाहिए, ए का फर्स्ट, वो ए के ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन। टू डिक्रीज द टी लिम्फोसाइट अमाउंट काउंट द ब्लड विल रिजल्ट इन, अगर मान लो टी लिम्फोसाइट कम हो गए, तो टी लिम्फोसाइट क्या करते थे, वो सेल्स बनाते थे जो कि लड़ सकते थे, अब सेल नहीं बनेंगे वो वाले, अब सेल नहीं बनेंगे तो एंटीजन बढ़ जाएगा है ना, तो ये आपका आंसर आएगा इंक्रीज इन एंटीजन, तो ये 3 मेरे ख्याल से आंसर में सही है, बी डी डी, बी डी डी आंसर की भी लेके आए हो तो वहां से आप एक बार मैच करवा के दिखा देता हूँ, बी डी डी वेयर इज द आंसर की, ये रही बी डी डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसका बताओ, गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए, आपको बताना है कि थर्ड कोडोन पे और फिफ्थ कोडोन पे ड्यूरिंग ट्रांसलेशन कौन से एंजाइम्स मतलब कौन सी चीज बनेगी, तो थर्ड कोडोन, अब देखना यहाँ पे 5 प्राइम से रीड करना स्टार्ट करते हो आप एमआरएनए को, याद रखना, तो 5 प्राइम से थर्ड कोडोन कौन सा है, एजीसी, एयूजी, जीयूए, जीयूए, जीयूए से कौन सा कोड हो रहा है हमें नहीं पता, आगे देखो यूयूयू, यानी कि जो फिफ्थ कोडोन है, फिफ्थ कोडोन यू 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 है, उससे बनता है फिनाइल एनिडीन, तो फिनाइल एनिडीन एक ही ऑप्शन में है, तो आप कोई ना कोई ऑप्शन सही करके आ जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन ही गलत है, फिफ्थ कोडोन का इन्होंने पहले दे दिया आंसर, और एयूजी का मिथियोनिन होता है जिन्होंने, जो इन्होंने जीयूए में लिख दिया, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। नेक्स्ट, टाइट 1:1 रिलेशनशिप बिटवीन मेनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री एंड सर्टेन वास्प, किसका एग्जाम्पल था, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल था, सिलेक्ट द मिसमैच्ड, मिसमैच्ड सिम्टम आपको बताना है, तो एंटोमियम हिस्टोलिटिका अमीबियासिस करता था जिसमें कॉन्स्टिपेशन डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, एपिडर्मोफाइटॉन ड्राइलेश ये भी सही है ना, रिंग बॉम्ब होता था, ए ए क्यों भाई, ए तो मेरे ख्याल नहीं, आप इसका ए कह रहे हो बट इसका कोई आंसर करेक्ट नहीं है,
बिकॉज इसमें हमने 5 प्राइम से रीड करना स्टार्ट करना है, या फिर तो 3 प्राइम से रीड करोगे तो ये माना जाएगा आंसर, अगर 3 प्राइम से रीड करोगे तो ये आंसर होगा, जो कि गलत है, 5 प्राइम से रीड करना होता है ना एक आरएनए को। नेक्स्ट, बुशरेशिया बैंक ऑफ टी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हाँ बिल्कुल सही है, एलिफेंटियासिस होता था इससे। बी, नहीं भाई, एपिडर्मोफाइटॉन से तो ड्राई स्केल लेशन से तो आते थे, एपिडर्मोफाइटॉन से। डी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, नहीं यार, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से तो वो होता था न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया में इंटेस्टाइन का क्या लेना देना, ये तो गलत है। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्टिविटी है मतलब टाइम भी आएगा, याद रखना, टाइम को मल्टीप्लाई करते थे, नहीं टाइम को डिवाइड करते थे, हाँ, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें, फोर्थ का कोई आंसर नहीं है, फिफ्थ का डी है, सिक्स्थ का डी है, सेवन्थ का ए है, फोर्थ का कोई आंसर नहीं है, फिफ्थ का डी है, सिक्स्थ का डी है, सेवन्थ का ए है। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन कहाँ गया, एट्थ क्वेश्चन बताओ, क्लीवेज होगी अगर इस प्रकार से, जहां पे जैसे इन्होंने दिखाई है डायग्राम में, तो क्या बनेगा, किस प्रकार के, किस तरह के एंड्स बनेंगे, यहां से कट लग रहा है, यहां से कट लग रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कट लगा के दिखाना है बस आपको, ये भी नहीं बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, यानी कि एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो ये तो बनेंगे, तो डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में 500 साल पहले, जो ये देखो कितना फालतू का क्वेश्चन, डाटा बेस्ड क्वेश्चन सेट थ्री में, ये सेट थ्री नहीं है, मेरे ख्याल पेपर ही अलग था, है ना, 2023 में तीन पेपर होते हैं ना, तो तीन में से ये तीसरा पेपर है, पहला पेपर तो भी करवाया नहीं, दूसरा पेपर करवाया था पिछले, पहला पेपर मैं आपको अलग से करवाऊंगा, प्रेजेंटेशन जब समझानी है तब करवाऊंगा। IUCN रेड डाटा लिस्ट है, उसने बताया कि 784 स्पीशीज एक्सटेंशन की वर्ज पे हैं, उनमें से कितने इनवर्टिब्रेट्स थे, 359, सी ऑप्शन, इनको मैच करो, स्टिकी एंड स्टीक है, हाँ, तो वो डी ऑप्शन वाले, इनको मैच करो, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस का स्ट्रेप्टोकोकस है, सी का फर्स्ट ए के ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, ए का टू यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, स्टैटिन का पेनिसिलम नोटेटम, ओए स्टैटिन का मोनेस्कस पर्पुरस, और इसका ये, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, नहीं बी आई गेस, मतलब इसका क्या हो गया, आई डोंट रिमेम्बर द डाटा, बट मेरे ख्याल से 359 है, एक बार चेक कर लूंगा मैं, तो क्या आंसर आया हमारा, डी सी डी लिखा है मैंने, तो एक बार चेक कर लेते हैं, डी सी डी, डी सी डी, देखो सी है, 359 ही है। नेक्स्ट, ये वाला देखो, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सब एट्रीब्यूट की बात हो रही है, जो कि सिर्फ पॉपुलेशन के लिए है, एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, तो पॉपुलेशन के लिए बर्थ रेट, डेथ रेट होता है, बर्थ और डेथ नहीं होता, मेल फीमेल इंडिविजुअल के लिए होता है, बट सेक्स रेशो पूरी पॉपुलेशन के लिए होता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन, तो कितने आसान क्वेश्चन है इसमें, यू एक्स वाई जेड बताओ, यू क्या है, एक्स तो सस्पेंसर सेल है, तो वो तो एक ही में दिया हुआ है, यही आंसर है, तो इसको भी मैच करो, डी सी 11th का डी है, 12th का सी है। सही है, assertion reason based आ गया, अब देखो assertion reason based, determining the sex of unborn by MTP is illegal, सही है, हाँ D सही है इसका, amniocentesis is a practice to test the practice of genetic disorders only, also, हाँ genetic disorders भी निकाल सकते हो, but क्या ये reason है, नहीं, reason तो ये था कि यार feticide कर रहे थे, female feticide, synthetic oligonucleotide, देखो क्या है कि synthetic oligonucleotide को हम use करते थे, annealing में, PCR में, सही है, true है, The primer bind to the double stranded, देखो double stranded DNA के साथ primer थोड़ी जुड़ता था, single stranded से जुड़ता था, तो इसका C होगा, हाँ बिल्कुल सही, C आंसर है। Next, decomposition is slower if detritus is rich in lignin and cutin, chitin आ रहा है यहाँ पे, हाँ सही है, because इनको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, decomposition एक ऑप्शन, बिल्कुल सही है, कारण गलत, मतलब कारण एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट है तो ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इन थैलेसीमिया एंड और एन एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन, अरे यार मायोग्लोबिन चेन तो वो होगी ना मसल्स की चेन, तो गलत है, इसमें तो हेमोग्लोबिन की चेन होती थी, यानी कि इसका आंसर होगा डी, सी क्यों भाई, सी नहीं होगा इसका, इसका डी होगा, बी सी बी डी, लेट मी चेक, बी सी बी डी, बी सी बी डी, बिल्कुल सही। अब है सेक्शन बी, सेक्शन बी देखो, ये रहा सेक्शन बी, अब पहले ना मैं अपने एमसीक्यू दिखाऊंगा कैसे चेक होंगे, वो भी देख लो एक बार, ये मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लिखे हुए हैं, तो मैं इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यार एमसीक्यू चेक कैसे होंगे, एमसीक्यू तो नॉर्मली जैसे चेक होंगे वैसे ही होंगे ना, मैं तो
बी डी डी नो आंसर डी। तो इनको चेक जब करेगा एग्जामिनर तो कैसे करेगा, बी डी डी नो आंसर मतलब कोई आंसर करेक्ट नहीं है तो ये आंसर सही माना जाएगा। इसको वो कैसे करेगा, यहाँ पे लिख देगा एक्स्ट्रा डी, फिफ्थ का डी ही था। फिर है डी ए डी सी डी, डी ए डी सी डी, डी यहाँ पे गलत है तो ए डी सी डी, इस तरह से चेक हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। और डी सी बी सी बी डी, डी सी बी सी बी डी, तो इस प्रकार से दो नंबर कट हुए तो वो पूरा में यहाँ पे 14 लिख देता है, राइट साइड पे लिखता है, तो इस तरह से चेक होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन बी पे। नाउ लेट अस कम टू दी सेक्शन बी। यहाँ है सेक्शन बी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। देखो खतरनाक सा लग रहा है ग्राफ से, तो बट देखते हैं एक बार। कहा है द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पर ओवरी इन वुमेन एट डिफरेंट एजेस। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, मेनोपॉज जब हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब देखो मेनोपॉज में प्री मेनोपॉजल वुमेन को आपको देख रहे हैं ना, सॉरी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को आपको देख रहे हैं ना, जिनमें मेंसेस नहीं हो रही है, उनकी एज देखो कहाँ पे है, यहाँ पे 40 से 50 के बीच में। तो 40 से 50 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट से 45 लिख दो, है ना, बिकॉज बीच में दिख रहा है तो 45 लिख सकते हो। एट वट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन दी ओवरी, अब ये इसी के अकॉर्डिंग बताना है, ऐसा नहीं खुद की जो ग्राफ में आपने पढ़ा या जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा उसको नहीं बताना, आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, क्या है, वट एज एक्स मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स आर प्रेजेंट, प्री मेनोपोजल में होंगे ना वो, तो प्री मेनोपोजल कहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, तो 0 से 10 के बीच में लिख सकते हो, यानी कि 7 ईयर्स पे लगभग आप कह सकते हो, तो 45 एंड 7 शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं, ये देखो ये क्या है आंसर की, देखो एक्सेप्ट एनी वैल्यू विद 47 ± 2 एंड 6 to 8 साल की कोई भी, आप 6 to 8 ईयर्स की कोई भी आंसर को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इनमें से कोई ना कोई आंसर लिखा है तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। बट अब मैंने क्या लिखा था आंसर में, वो देखो सेक्शन बी का आंसर है ना, सेक्शन बी, ये देखो सेक्शन बी में मैंने एनसीईआरटी का जो जनरल डाटा था वो लिख दिया 40 से 50, तो इसको गलत माना जाएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, इसको रॉन्ग माना जाएगा। ओके, ऐसे सीधा काटा बजेगा। चाइल्डहुड 10 ईयर्स गलत, 6 to 8 ईयर्स अगर आंसर की में लिख के आया है तो ये गलत है, यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, सेकंड सेकंड 18th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि चेकिंग कैसे होगी यार सीबीएसई में, वही पता होना चाहिए ना आपको, उस अकॉर्डिंग आप आंसर लिखते हो। कैटल एंड गॉट्स डू नॉट ब्राउज द कैलोट्रोपिस प्लांट, कैलोट्रोपिस को क्यों नहीं खाते कैटल और गॉट, जस्टिफाई, बिकॉज कैलोट्रोपिस एक पॉइजनस वीड है, सॉरी पॉइजनस प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल को सिक बना देंगे। तो ये देखो कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, अगर ये दो वर्ड्स लिखे हैं तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे, बस सही है, दो नंबर आपको ऐसे मिलने हैं। तो अब वो इसको पढ़ेगा फिर आपके आंसर को पढ़ेगा कि आपने आंसर में क्या लिखा है। अभी देखो मैंने आंसर में क्या लिखा था, ये थोड़ी है, ये है कैलोट्रोपिस प्लांट हैज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो यही उन्होंने सिर्फ पहला पॉइंट देखा, इसने दोनों चीजें लिख दी हैं तो पूरा सही है, आगे वो पढ़ेगा ही नहीं, दो नंबर दे दिए, इस तरह से चेकिंग होगी। देन 19th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये रहा, बाय यूजिंग पुने स्केयर डिपिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस, किसका टेस्ट क्रॉस, वेयर ग्रीन पॉड कलर कैपिटल जी डोमिनेंट है येलो के, और आपको अननोन जीनोटाइप बताना है, तो अननोन जीनोटाइप कौन सा हो सकता है, कैपिटल जी भी हो सकता है, कैपिटल जी स्मॉल जी भी हो सकता है, बिकॉज डोमिनेंट वाला होता है ना, और इसको आपको मतलब पहले केस में आपको पहले लिखना है कि ये दो गैमेट्स पॉसिबल हैं, फिर मतलब ये दो पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स हैं, सॉरी डोमिनेंट फिनोटाइप के दो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, फिर इनको क्रॉस करोगे कैपिटल जी क्रॉस स्मॉल जी, जिससे आपको कैपिटल जी स्मॉल जी मिलेगा, सारे ऑफस्प्रिंग्स मतलब 100% ग्रीन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला था, कैपिटल जी स्मॉल जी से अगर आपने स्मॉल जी को क्रॉस करवाया तो आपको मिलेगा कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी, 50% और 50% ग्रीन एंड 50% नॉट ग्रीन, यानी 50% येल्लो, दैट मीन्स आपको इससे पता चला कि ये आपके पास हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब आपने ये सारा कुछ लिखा है तो आपको दो नंबर मिलेंगे, और वो दो नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे बटे हुए हैं सीबीएसई की उस पर,
आंसर की पे, ये देखो इन्होंने कहा है आधा नंबर आपको तब मिलेगा, आधा नंबर आपको ये बनाने का मिलेगा जिसमें आपने लिखा कि सारे ग्रीन आ रहे हैं, सारे ग्रीन आने के बाद आपने कंक्लूड कर दिया जिसमें सारे ग्रीन आ रहे हैं वो कौन सा है, फिर आधा नंबर इसका आधा नंबर इसका, इस प्रकार से दो नंबर मिलेंगे। अब मैं अपना आंसर भी दिखा दूं क्या? देखो चेकिंग जब होगी तो कैसे होगी वो बता रहा हूं, देखना ये देखो सब कुछ हुआ है, गैमेट्स दिखाए हैं, ये क्रॉस करके दिखाया है, ऑल ग्रीन लिखा है, अननोन वगैरह सब कुछ लिख दिया, तो दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर पूरे मिलेंगे। थोड़ा सा आप प्रॉपर वे में करना है, तो मैंने जस्ट ऐसे आपको दिखाने था इसलिए मैंने ऐसे रफ वर्क में किया है। देन नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, तो ये रहा 20th क्वेश्चन, 21st है ये, तो 20th ये रहा नीचे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जीनस ऑफ वायरल वायरस विच हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल बायो कंट्रोल एजेंट, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, और ये मुझे नहीं आता। हाउ डज इट्स यूज सर्व एज एन एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये याद है कि वो सिर्फ टारगेट पेस्ट को मारता था बट नाम नहीं याद, ठीक है। तो 20th का ए ऑप्शन का आंसर देखो कहाँ है, मैंने तो मैंने देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्रोबैक्टीरियम और नो नीड ऑफ पेस्टिसाइड, बिल्कुल गलत। मतलब नो नीड ऑफ पेस्टिसाइड आप कह भी सकते हो, नहीं नो नीड ऑफ पेस्टिसाइड भी गलत है ना, तो इसका अगर हमने ए पार्ट को चेक करना है तो जीरो मिलेगा, बट यहाँ पे देखो मैंने बी पार्ट भी कर दिया है ना, बिकॉज चॉइस में था तो मैंने दोनों को कर दिया। अब दोनों कर दिए तो किसको माना जाएगा ये भी पता होना चाहिए ना आपको, तो दोनों कर दिए तो किस किसका कौन सा आंसर आपका सही माना जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो, देखो इसका इसका आंसर क्या था, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वॉज द आंसर, और ये आपके पास ये सब था कि यार नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अदर प्लांट्स, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक था, नॉन टारगेट इंसेक्ट को कुछ नहीं करता था। देन और उन्होंने पूछा, सेकेंड क्वेश्चन था इसका सेकेंड पार्ट था, मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक क्यों है, तो वो देखो मैलिग्नेंट ट्यूमर बड़ी रैपिडली ग्रो करेगा है ना, और वो स्टार्व कर देगा नॉर्मल सेल्स को और बाकी जगह पे पास ऑन हो जाएगा। आई एम बाई एनुअल 12th पास्ट, आई एम एलिजिबल फॉर, मतलब नीट, यस आई थिंक सो, नीट के लिए तो एलिजिबल हो यार, नीट में नहीं होता कुछ कर ला, हाँ हो जाएगा कोई एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर नीट आई थिंक सो, एक बार फिर भी आप ऑनलाइन कंफर्म कर लो नीट की वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉइंट आपको लिखने थे कि एक तो यार बाकी सेल स्टार्व हो जाएंगे, और एक क्योंकि ये मेटास्टेसिस शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो नॉट कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन एक सही है, मेटास्टेसिस शो कर रहा है सही है, तो ये दोनों पॉइंट सही लिखे हैं, तो इसके कारण यहाँ पे दो नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। बट आधा नंबर काट भी सकता है कि यार इसने दो पॉइंट से लिखे सेम ही मतलब बन रहा है। हेलो सचिन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21st क्वेश्चन, हेयर इट इज, कहा है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द थर्मोस्टेट, जिसमें हमने थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लिया था, दैट वाज टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, जिसने थर्मस एक्वाटिकस लिखा है उसको एक नंबर दिया जाएगा। एडवांटेज क्या था इसको यूज करने का, कि यार ये ना गर्म टेम्परेचर में भी यूज हो जाता था, बिकॉज हमने हीट किया था ना, डीनेचुरेशन जब हम कर रहे थे तो हमने हीट किया था, उस टेम्परेचर में भी ये यूज होता है, ये इसका एडवांटेज है। तो देखो आंसर की में देखो क्या लिखा हुआ है, ये रही आंसर की, आंसर की अकॉर्डिंग जिसने थर्मस एक्वाटिकस लिखा है उसको एक नंबर, जिसने थर्मोस्टेबल डीएनए लिखा है या इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एवरी है ना, बार बार उसको डालने की आवश्यकता नहीं है, या हाई टेम्परेचर में भी ये एक्टिव रहेगा, जिसने ये लिखा है उसको एक नंबर मिल जाएगा, यानी कि दो नंबर आपको इस प्रकार से डिवाइडेड है। अब देखना इसमें क्या लिखा था मैंने, उसमें है ना वो तो ऊपर है, ये देखो थर्मस एक्वाटिकस लिख दिया एक नंबर, ऐसे होती है स्टेप मार्किंग, एक नंबर, इट डू नॉट पॉलीमरेज इन हाई टेम, इट कैन पॉलीमरेज इन हाई टेम्परेचर, एक नंबर, तो टोटल दो नंबर मिल गए, इस प्रकार से आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अरे ये तो हो गया ना, सेक्शन सी, नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल कंट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्टेड बाय मेल पार्टनर, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी में एक्सप्लेन क्या करोगे, इसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता था, और इससे स्पर्म की एंट्री बाहर, स्पर्म बाहर आ ही नहीं पाता था, सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा विदाउट स्पर्म निकलता था। तो सी पार्ट का 22nd, अब आंसर की भी देख लो, तीन नंबर का क्वेश्चन था तो इसका कुछ लिखना पड़ेगा, कहाँ है ये देखो, वैसे कम लिखा एक नंबर मिला, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस कट, यहां तक लिखा एक नंबर और मिल गया, टू ब्लॉक द स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया उसका एक और नंबर है, तो ही यहां पे लिखा ना 1 into 2, ठीक है, इससे आपको तीन नंबर मिलेंगे। तो अब जो आंसर मैंने यहां पे लिखा है उनको देखो कहाँ है, ये देखो वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस कट एंड टाइड, इससे परमानेंट मेथड है, ये सब तो लिखा है, बट दो पॉइंट हो गए ना, तीन पॉइंट, तो इससे तीन नंबर हमें मिल सकते हैं, क्वेश्चन चेकिंग जब होगी तो ऐसे होगी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज़ अ मेगा प्रोजेक्ट जिसने 1990 में स्टार्ट हुआ था, उसके चार प्राइम गोल बताओ। क्या गोल थे? कि यार जितने भी 25,000 तक जो जीन्स हैं वो सारी की हम उनके बारे में पता कर सकें, जितने भी बेस पेयर्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में पता कर सकें, जितने भी हम इनको डाटा बेस में कलेक्ट कर सकें और डाटा बेसिस को हम प्रॉपरली रख सकें, और फिर इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को हम बाकी सेक्टर्स में भी प्रोवाइड कर सकें। ये सारे क्या थे? मेन गोल थे जीपी के। और नेम एनी वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल जिसका पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग हो गया हो, ड्रोसोफिला का पूरा सीक्वेंसिंग हो चुका है, वो आप लिख दो। ठीक है, तो इसका जो मैंने आंसर लिखा है, पहले आंसर की से देखो, आंसर की क्या कह रही है, वही 20,000 से 25,000 जितनी जीन्स है सारी को आइडेंटिफाई करना एक गोल है, फिर इन सब के सीक्वेंस लिखने हैं, फिर इसको डाटाबेसेस में स्टोर कर दिया, टूल्स बढ़ाए डाटाबेसेस के, इनको हमने बाकी सेक्टर्स में प्रोवाइड कर दिया, और एलसी एथिकल लीगल सोशल इन सब इश्यूज को भी आपको देखना है। फिर सेकंड पार्ट ड्रोसोफिला लिख दो, या ये जो भी है, ये आपको वैसे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा मेरे ख्याल, बट ड्रोसोफिला दिया हुआ है, या दिया होगा ये भी मेरे ख्याल, बाकी कुछ एग्जांपल्स दिए थे ना जानवरों के कि किस किस में हो गया, तो वो भी दिया हुआ था। तो अब इसका चेकिंग कैसे होगी वो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या आंसर में लिखा, आंसर में लिखा गया है यार स्टडी ऑल द जीन्स, बट जीन का नंबर 25,000 से 30,000 बता दिया, जबकि वहाँ पे कुछ और था, तो यहाँ पे आपका मार्क कट सकता है। पुट ऑल डाटा इन टू डाटाबेसेस, प्रोवाइड द टेक्निक्स टू अदर सेक्टर्स, है ना, और ये कि कैसे सारे बेसिस के बारे में जानकारी लेनी है ह्यूमन जीनोम की, ये भी ठीक है, ड्रोसोफिला भी ठीक है, तो इसमें 2.5 नंबर मिल जाएंगे, इसमें 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट 24th क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन, हियर इट इज, नहीं तो 30th है, 27th, ये देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लेन। इसमें हमको सब बताना है कि इंडस्ट्रीज आने से पहले क्या था, बाद में क्या था, ये सब बताओगे तो नंबर मिलेंगे। तो देखो आंसर की में, ये रहा, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बताओगे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बताओगे, सबसे पहले आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे, आधे आधे नंबर का एक पॉइंट। ठीक है, इसमें आप बताओगे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट लाइकेंस ने कवर कर रखा था, उसके कारण ट्रीज जो है वो व्हाइट दिख रही थी, व्हाइट वाली ड्रोसोफिला छुप जा रही थी, व्हाइट वाले जो फ्रूट फ्लाई नहीं, व्हाइट वाले जो मॉथ थे वो छुप जा रहे थे, ब्लैक वाले विल बी सिलेक्टेड बाय दैट नॉट बाय नेचर बट बाय दैट प्रे, ब्लैक वाले प्रे बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ब्लैक वाले कम हो गए, डार्क मॉथ कम मिल गए नंबर में, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री की ट्रंक जो है वो क्योंकि स्मोक वगैरह से काली हो गई और इसके कारण डार्क कलर वाली अब सिलेक्ट नहीं हो पा रही, डार्क कलर वाली सिलेक्ट हो रही है नेचर के द्वारा क्योंकि अब वो छुप जा रही है, तो ये सब आपको बताना था। तो अब इसमें जो आंसर लिखा गया है उसकी चेकिंग कैसे होगी देखो, व्हेन देयर वर नो इंडस्ट्रीज नो पोल्यूशन, व्हाइट लाइकन ने कवर करा था, तो ये व्हाइट लाइकन व्हाइट विंग मॉथ को छुपा ले रहे थे, इससे व्हाइट विंग मॉथ को फायदा हो रहा था। ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन बढ़ गया, लाइकन्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल सही लिखा है, तो इसलिए 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करो अगर आप बायसेक्सुअल फ्लावर में वो कर रहे हो। तो क्या होगा, सबसे पहला बैगिंग देखो, पहले ई मास्कुलेशन होगा ना, पहले ई मास्कुलेशन बिकॉज बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो पहले ई मास्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर रीबैगिंग और डस्टिंग भी होगी, है ना, तो ये चीज आपको सारा एक्सप्लेन कर देना था। अब आंसर जो मैंने लिखा है वो क्या है, यहाँ पे है ना, देखो सबसे पहला लिखा ई मास्कुलेशन, कटिंग ऑफ स्टेमन, है ना, तो ठीक है 1 नंबर मिल गया, तो ऐसे स्टेप मार्किंग होती है, अगर 1 लिखा तो ठीक है। बैगिंग कवरिंग कर दिया ताकि कोई और आके इसको इफेक्ट ना कर सके, 1 नंबर। और टैगिंग, टैगिंग तो था ही नहीं यार, टैगिंग तो मैंने ऐसे लिखा कि यार उसमें ना रिकॉर्ड रखने के लिए टैग भी लगाया जाता था, बट यहाँ पे हमने अपने वो तो बताया नहीं कि पोलन ग्रेन हमने कब डाला, डस्टिंग कब की, पोलन ग्रेन की, रीबैगिंग, तो यहाँ पे 1 नंबर इस चीज का कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट गया। 28वां क्वेश्चन, मच्छर वाला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया ना, ये देखो ना, प्लाज्मोडियम नीड्स बोथ अ मॉस्किटो एंड होस्ट, ह्यूमन होस्ट, एक्सप्लेन। उसको एक्सप्लेन करोगे डायग्राम की मदद से भी कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम की मदद से ही दिया हुआ है आंसर की में भी, या लिख के भी कर सकते थे, तो लिखने वाला भी इन्होंने आंसर दिया हुआ है। देखो स्पोरोजोइट्स, ये सब आप एक्सप्लेन कर देना, लिखने वाला भी और डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम में देखो आधे आधे नंबर के आपको 6 लेबलिंग करनी पड़ेंगी, 6 लेबलिंग कौन सी, जिसमें आपको सब कुछ बताना है, ये कि पहले उसने ये स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट करे, स्पोरोजोइट्स ने
लीवर में आके करा मतलब भाई है ना, लीवर के बाद आरबीसी में गया, ये मस्किटो होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है, यहाँ पे सलिवरी ग्लैंड, सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, तो 3 नंबर मिलेंगे। फिर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये देखो, ये है नहीं, ये है, वी ऑल मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, एनलिस्ट एनी 6 वेज टू अचीव गुड हेल्थ। तो आप कोई भी 6 वेज लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी एनसीईआरटी वाले लिखने हैं, जो भी है इसमें आप कोई भी 6 वेज लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करो, कोई भी एनी 6 आप लिख सकते हो, कोई भी 6 आपको वेज बता देने थे, जिससे आपको आधे आधे नंबर से 3 नंबर मिल जाते हैं। तो अब हम आंसर को, अपने वाले आंसर को चेक करते हैं, देखो कहाँ है, ये रहा। तो इसमें ये सब बताया तो है, बट प्रॉपर मैंने लिखा नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ आपको रफ एक आइडिया देना चाह रहा था कि कैसे कैसे चेक होंगे। तो उन्होंने देखा यार यहाँ पे इसमें लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे, बट एक्सप्लेन नहीं किया प्रॉपर, एक्सप्लेन ना करने के कारण वो आधा नंबर या 1 नंबर काट सकते हैं। बट बिकॉज सेकंड पार्ट हमने किया हुआ है, सेकंड पार्ट हमने किया हुआ है, और सेकंड पार्ट में हमने 6 एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब बताया हुआ है, तो इसके कारण हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। जिस पार्ट में हमें ज्यादा नंबर होते हैं वही वाले पार्ट हमारा चेक होता है, तो 3 नंबर मिल गए, जबकि पीछे वाले के अकॉर्डिंग 2 नंबर बन रहे थे, बिकॉज वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया प्रॉपर। देन 27th क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, दिस 29th ना, ये रहा 27th, ऑन स्प्रेइंग बेसिलस थुरिंजियेंसिस ऑन एन इन्फेक्टेड कॉटन क्रॉप, वो मर जा रहे थे इंसेक्ट्स, अब टॉक्सिन क्यों नहीं मर रहा था, बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा था, एक्सप्लेन करो गिविंग रीजन। तो इसका आंसर मैंने पहले भी बता दिया था, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्योंकि वो उसमें प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, अल्कलाइन गट, जब अल्कलाइन गट में आ जाएगा तो सोल्युबलाइज हो जाएगा, और फिर वो उसमें पोर्स वगैरह बना देगा, जिससे लाइसिस और डेथ हो जाएगी। तो ये हमने कैसे लिखा है वो देखो, इन बैक्टीरिया टॉक्सिन इज प्रेजेंट एज प्रोटॉक्सिन विच इज इनएक्टिव, प्रोटॉक्सिन बताया, इनएक्टिव बताया, सही है, 1 नंबर मिल गया। जैसे ही वो गट के अंदर जाएगा सोल्युबलाइज हो जाएगा पीएच के कारण, अल्कलाइन पीएच के कारण, 1 और नंबर मिल गया। फिर इससे एपिथेलियल सेल्स फट जाएंगे, तो इसका 3 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के 2 ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एक एथिकल रीजन बनाना था, एथिकल रीजन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब वो वाले रीजन जिनमें मनी ना आए, सिंपल मनी ना आए, और बड़ी अप्रोच के बारे में सोचा जा रहा हो, ब्रॉड थिंकिंग के बारे में सोचा जा रहा हो, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, पोलिनेशन करते हैं, तो ये सारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए आपके। तो इसका आंसर देखो ये रहा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, पॉलिनेशन, एसेटिक प्लेजर, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन कर देने थे। फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल रिलेशन भी देता है ना, हमें 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 बायोलॉजिकल लिगेसी को गुड वे में पास करना चाहिए, ये वो है एथिकल इशू, एथिकल इशूज वो हैं जो यार एथिक्स बोलते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें आप वही लिखना था। अब देखो आंसर में मैंने क्या लिखा था, वी गेट ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स हो गए किसके, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीज आर गॉड फॉर अस, है ना, इसको कुछ हद तक कोई टीचर ठीक भी मान सकता है, बट स्टिल क्योंकि आंसर की में ये मेजर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको काटा ही बजेगा, और 2 ही नंबर मिलेंगे या 2.5 नंबर मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इस प्रकार से चेकिंग होती है। तो ये विद दिस आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन डी पे, सेक्शन डी पे, तो सेक्शन डी कहाँ है, ये रहा सेक्शन डी। इन्होंने ना एक ग्राफ सा दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया है कि यार पीरियड ऑफ इलनेस, इंक्यूबेशन पीरियड, ये सब ग्राफ सा दिया हुआ है, एक बार इसको आप रीड करके देखना, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ पर्सन ट्रांसमिटिंग डिजीजिंग या इन्फेक्शन, कि जिस टाइम पे उसको इन्फेक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, जब 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होंगे तभी तो इन्फेक्शन ज्यादा होगी। तो पीरियड ऑफ इलनेस, इलनेस वाले टाइम पे उसको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज वहां पे माइक्रोब ज्यादा है। देन स्टडी द ग्राफ एंड राइट द इनक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन। इनक्यूबेशन पीरियड वो है जहां पे नो से नो सिम्टम आ रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हो कि इंसेक्ट तो उसके अंदर या जो भी पैथोजन है वो उसके अंदर आ चुका है, बट सिम्टम्स शो नहीं करे अभी उसने, ठीक है। तो वो पीरियड है इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो कि इजीली ट्रांसमिट हो सकती है इस टाइम में, बिकॉज इनक्यूबेशन पीरियड किसका सबसे ज्यादा होता है, एड्स का। तो एड्स आप इस एग्जांपल में लिख सकते हो। नेम द लिम्फोसाइट्स, वो टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता था, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का डायग्राम आप बना लोगे ना वैसा, इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है, लाइट हैवी, ठीक है, इस प्रकार से जो डायग्राम है उसको आपको बनाना है। तो देखो आंसर की देखना कैसी दी हुई है, ये रहा आंसर की में, सबसे पहला 1 मिनट, ये है ना इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा इन्होंने पहले आंसर के, पहले क्वेश्चन के 2 आंसर दिए हैं, हाँ एड्स, ठीक है। पहला
क्वेश्चन के उन्होंने दो आंसर दिए हैं कि इन्फेक्शन इनक्यूबेशन पीरियड में भी हो सकती है, बिकॉज वहां पर सिम्टम नहीं दिख रहे होंगे, सिम्टम नहीं दिख रहे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, किसी और को फैल सकती है वो डिजीज। पीरियड ऑफ इलनेस में भी हो सकता है, बिकॉज पीरियड ऑफ इलनेस में नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो ये भी आप आंसर में मान सकते हो। देन इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम पीरियड बिटवीन द गैप, वो मैंने आपको बता दिया, एड्स टी लिम्फोसाइट्स, फिर ये डायग्राम आपको बनाना है। और डायग्राम में आधे नंबर की चार लेबलिंग है, अगर आपने एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाई है तो आधा नंबर है, लाइट चेन दिखाई है, हैवी चेन दिखाई है तो आधा आधा नंबर है, डाइसल्फाइड लिंकेज दिखाई है तो आधा नंबर है। फिर पीरियड ऑफ इलनेस, बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब जो आंसर यहाँ पे किया है हमने उसके अकॉर्डिंग चेकिंग करके देखते हैं। ये देखो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इलनेस एज माइक्रोब्स आर मैक्सिमम, तो ये एक नंबर हमें मिल गया। देन इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम व्हिच इज पैथोजन टेक्स टू ग्रो इन होस्ट एंड हेंस इस टाइम पे नो सिम्टम्स हैं, तो ठीक भी है। एड्स टी लिम्फोसाइट सही है, इन पीरियड ऑफ इलनेस बी लिम्फोसाइट विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट, लाइट चेन, हैवी चेन, डाइसल्फाइड, बट यहाँ पे उन्होंने एंटीजन लिंकिंग वाला नहीं बताया, एंटीजन लिंकिंग वाला नहीं बताया है। बट यहाँ पे बी में दो क्वेश्चन थे जिनमें से चॉइस थी, तो अब क्योंकि इसमें आधा नंबर कट रहा है, बट ये पूरा सही है, इसमें दो मिल रहे हैं और इसमें तो एक ही मिलेगा ना, अब क्योंकि ये सही है पूरा और इसमें डेढ़ मिलता तो हम डेढ़ को हटा के सिर्फ दो देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, जो ज्यादा सही आंसर होगा उसके मार्क्स लगते हैं, जो ज्यादा सही है उसके मार्क्स लगेंगे। जो आंसर आपका, अगर चॉइस में से आपने दोनों क्वेश्चन कर लिए, तो जो क्वेश्चन का आंसर आपने ज्यादा अच्छे से किया है, ज्यादा सही है, जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, उसी के नंबर लगेंगे। और बाकी कैसे होगा देखना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये उसने देखा कि यहाँ पे आधा नंबर कट रहा है तो वो ऐसे इसको क्रॉस करके एक्स्ट्रा लिख देगा, ये ठीक है एग्जामिनर जो भी है, तो आपको इससे चार नंबर मिल गए, इससे आपको चार नंबर इस प्रकार से मिल गए। नेक्स्ट ये देखो, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्किप हो गया, तो देख लो क्या है। इन विच पीरियड द नंबर ऑफ इम्यून सेल्स फॉर्मिंग एंटीबॉडीज विल बी हाईएस्ट, इंक्यूबेशन पीरियड में होगा कि डेथ पीरियड में, इलनेस पीरियड में, जहां पे इलनेस हमें पता चल गई, जहां पे माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा है वहां पे तो ज्यादा बनेंगे ना। देन नेम द इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बनाने वाला कौन सा था, बी लिम्फोसाइट्स, तो वो आपने लिख देना था और यही हमने आंसर में लिखा भी हुआ था। नेक्स्ट ये देखो, स्टेट व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, जब सेपरेशन नहीं हो पाती प्रॉपर क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग मियोसिस, उसको हमने कहा एन्यूप्लॉइडी, तो फेलियर ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। देन इफ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्रोमेटिड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता था, एक्स वाई होते थे ना, बट अगर वो सेपरेट नहीं हो पाए तो एक में तो पूरा का पूरा एक्स वाई चला गया, दूसरे में क्या चला गया, दूसरे में कुछ भी नहीं गया, तो जीरो एक्स वाई, ये दो गैमेट्स बनेंगे। उन्होंने यही पूछा कि गैमेट्स बताओ कौन से हो सकते हैं। एक ह्यूमन है जिसमें 22 प्लस वाई मतलब मेल है, उसने एक ओवम को फर्टिलाइज किया जिसमें 22 प्लस एक्स एक्स है, तो जो नया बनेगा उसमें कौन सी डिजीज होगी, पहले तो बताओ उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसमें 44 प्लस एक्स एक्स वाई होगा ना, तो दिस इज व्हाट, ये कौन सी डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर डिजीज। क्लाइनफेल्टर डिजीज की सिम्टम्स क्या क्या थी कि यार टॉल स्टेचर होगा, बट गैनेकोमेस्टिया हो सकता है, फीमेल लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, फीमेल लाइक फेमिनिन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो ये सब आपका आंसर आएगा। देन इन्होंने कहा है एक बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिजीज, एन्यूप्लॉइडी की डिजीज कौन सी थी, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम, उसके कोई नो सिम्टम्स दिखने हैं, उसमें फ्लैट हेड होगा, फरोड टंग होगी, पाम क्रीज बड़ी सी होगी, तो ये सब आप उसके सिम्टम्स में लिखोगे। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब इसके आंसर की भी चेक कर लो एक बार, आंसर के में क्या क्या आया हुआ है आंसर, फिर हमारा आज का सेशन ओवर हो जाएगा ना इसके बाद, ये लास्ट ही है जो हम कर रहे हैं। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन, 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस 0, ये गैमेट है। देन हाँ बिल्कुल सही है, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर डिजीज, गायनोकोमेस्टिया, फेमिनिन डेवलपमेंट, स्टेराइल इंडिविजुअल, डाउन सिंड्रोम, शॉर्ट स्टैचर, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, यानी दो लिखने से कोई भी दो लिखने तो आपको इसके चार नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ऐसे लिखा है। नेक्स्ट सेक्शन ई, सेक्शन ई, अच्छा यहाँ पे पहले चेकिंग करके दिखा देते हैं कि कैसे चेक होगा। ये देखो, व्हेन देयर इज फेलियर इन सेग्रीगेशन, सब कुछ लिखा है, फेलियर इन सेग्रीगेशन लिखा है, ड्यूरिंग मियोसिस मिसबैलेंस हो गया, उसको कहा एन्यूप्लॉइडी, तो एक नंबर मिला। अच्छा ऊपर वाले में कितने मिले थे, ऊपर वाले में चार ही मिले थे ना, तो इसमें एक नंबर इसका मिला। सेकंड यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना गैमेट में ये एक्स ओ लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है, गैमेट में तो सिर्फ ओ था एक में, डाउन सिंड्रोम ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई, तो ठीक है ना, ये एक गलत है एक सही है। सी पार्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके सिम्टम्स सही है, और डाउन सिंड्रोम के भी सिम्टम्स लिखे हुए हैं, बट गिने तो किसी एक की जाएंगे, बिकॉज दोनों सही है तो एक ही आंसर गिना जाएगा ना कोई, तो इसमें आंसर में आपको 3.5 नंबर मिलेंगे ऐसे आंसर में।
नेक्स्ट सेक्शन ई, लास्ट सेक्शन, तीन चार चार पांच क्वेश्चन जितने हैं उतने और हम बचे हुए हैं, फिर आपका आज का सेशन ओवर। मोनोस्पोरल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो। मोनोस्पोरल डेवलपमेंट में क्या एक्सप्लेन करोगे कि सिर्फ एक ही स्पोर है उसी से सब कुछ बनता है, उसको आपने इस प्रकार एक्सप्लेन कर देना है कि आपको तीन नंबर का वो आंसर बन जाए। ठीक है, तो शुरू से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे कि एक पीएमसी है, सॉरी एक एमएमसी है, एक ही एमएमसी बनेगा न्यूसेलस में, और उस एक एमएमसी में से भी चार जब टेट्राड बनाएगा तो उनसे तीन रीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही मोनोस्पोर बनेगा बचेगा जो कि एम्ब्रियो सैक बनता है। उस एम्ब्रियो सैक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है जिससे सेल वॉल बनेगी बाद में, और फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक आपको डायग्राम भी बोला गया है। तो ये दो नंबर का डायग्राम था और तीन नंबर का क्वेश्चन था। तो देखो इस प्रकार से आपको लिखना था आंसर, डायग्राम बना दिया दो नंबर का था तो चार लेबलिंग आपको दिखानी है, तो डायग्राम के दो नंबर, और ऊपर जो ये आंसर है वो कैसे दिखा सकते हो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मेगास्पोर मदद से टेट्राड बना जिनमें से तीन जो है डिजनरेट हो गए, है ना, तो थ्री माइटोसिस विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, वही न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद एट न्यूक्लियर स्टेज आ गई, सेल वॉल बन गई, तो सेवन सेल्ड एक न्यूक्लियेटेड एम्ब्रियो सैक बन गया। ये आपने लिखा है तो आपको तीन नंबर मिल जाएंगे, और नीचे डायग्राम बनाए तो पांच नंबर, तो पांच नंबर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो देखो कैसे हमने किया है या नहीं किया, देखो यहाँ से फॉर्म द होमोजेनस सेल, वही न्यूसेलस के सेल से एमएमसी बना, एमएमसी से चार वो तीन सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें डायग्राम भी बना देखा है, डायग्राम से भी दिखाया है, और यहाँ पे भी डायग्राम बनाया है, बट वो क्लियर नहीं बना, बट ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ ऐसे दिखाना था यार, अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा कैसे बनती थी, कोरियोनिक विलाई इंटरडिजिट हो जाएगी आप इसमें, है ना, और बड़ी हार्ड सी बन जाएगी, उससे प्लेसेंटा बनती थी। ड्रॉ डायग्राम शोइंग फीटस, फीटस का डायग्राम यूरेटल, वे एनसीईआरटी का डायग्राम आएगा, बट बड़ा अजीब सा डायग्राम था तो मेरे पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों डाला है। देखो सबसे पहले प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट, जिनको हमने कहा कोरियोनिक विलाई, जो कि आपस में इंटरडिजिट हो जाएंगे, यूटेराइन टिश्यू से सराउंडेड है, मैटरनल ब्लड से सराउंडेड है, आपस में इंटरडिजिटेड हो जाएंगे, और फिर इंटरडिजिट होने के बाद वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना लेंगे एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के अंदर, जिसको हमने कहा प्लेसेंटा। और ये देखो ये सारे डायग्राम आप बनाने, इनमें चार पॉइंट आपको लेबल करने थे, तो ये तो बड़ा अजीब सा डायग्राम आपको बनाने को बोला इन्होंने, कोरियोनिक विलाई, हाँ बिल्कुल कोरियोनिक है, कोरियोनिक नॉट क्रॉनिक बट कोरियोनिक। तो इसमें चार लेबलिंग करनी थी, यॉर्क सैक, एम्ब्रियो, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारी आप कर सकते थे। अब यहां पे देखो क्या किया है, यहां पे देखना जरा क्या किया है, यहां पे जो डायग्राम है ना ये तो ठीक है, ए पार्ट में पांच नंबर मिल गए तो क्या बी पार्ट आगे पढ़ा ही नहीं जाएगा, मान लो ए पार्ट में पांच नंबर नहीं मिलते तो क्या होता, तो बी पार्ट में जाता टीचर, है ना, यार देखते हैं अगर बी पार्ट में पांच मिल गए तो बी पार्ट वाला चेक करेंगे। कोरियोनिक मिलाई एंड एंडोमेट्रियम गेट इंटरडिजिएटेड, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा व्हिच इज फॉर्मड बोथ बाय फीटल एंड मदर टिश्यू। तो यार इसमें उतना डिटेल में तो नहीं है जितना डिटेल में आंसर की में है, तो इसलिए इसमें सिर्फ तीन में से एक नंबर या डेढ़ नंबर मिलेगा, ठीक है, और बाद में बिकॉज ये डायग्राम भी बड़ा अजीब सा बनाया हुआ है ना इम्प्लांटेशन का, सबको जो भी पूछा गया था तो डायग्राम गलत वाला बनाया हुआ है, तो इसमें सिर्फ डेढ़ नंबर बन रहा है, तो इस डेढ़ को हटा के पूरे पे काटा मार के टीचर ओवर अटेम्प्ट लिख देगा या एक्स्ट्रा लिख देगा, एक्स्ट्रा लिखता है और फिर सिर्फ इसी को माना जाएगा, आपके पांच नंबर वाले को ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ये वाला 32nd, डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड टेक्निक वाइडली यूज फॉर फॉरेंसिक्स एंड सर्व एज पैटर्निटी टेस्ट, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स आपको बताने हैं, तो क्या स्टेप्स थे इसमें देखो, व्हाट वर द स्टेप्स यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो आपको लिखने हैं, तो जैसे ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, पहले तो टेक्निक बताओ, टेक्निक बताने का एक नंबर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया, सडन ब्लॉटिंग कर दी उसकी, सडन ब्लॉटिंग के बाद उसको हाइब्रिडाइजेशन कर दिया वीएनटीआर प्रोब के साथ, फिर उसकी ऑटो रेडियोग्राफी के बाद उसके बैंड को स्टडी करके आपने बता दिया कौन चोर है या कौन क्या जो भी था, जो भी क्वेश्चन में था, है ना, तो इस प्रकार से करना था। तो अब इसके आंसर को भी देख लो, आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया आंसर, ये रहा, टेक्निक लिखी है एक नंबर मिल गया, कटिंग ऑब्टेनिंग कर दिया, कटिंग कर दिया, आइसोलेशन कर दिया, सडन ब्लॉटिंग कर दी, वीएनटीआर हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा पांच नंबर मिल जाएंगे। अब अगला पार्ट टीचर पढ़ेगा ही नहीं, अगर पहले पार्ट में पांच नंबर मिल गए तो अगला पार्ट वो पढ़ेगा ही नहीं, बट स्टिल यहाँ पे अगला पार्ट भी किया हुआ है तो हम वो भी देख लेते हैं, अगला पार्ट भी दिया हुआ है ना, तो अगले पार्ट का आंसर कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा, इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट एफ1 प्रोजेनी में कोई भी पेरेंट का नहीं मैच कर रहा, वो अलग ही बना है,
तो ये किसमें है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो उसको बताना है कि F2 तक आपको इसकी पजनी लेके आनी है, तो वो देखो कैसे आप बनाएंगे। इस तरह से आपको लिखना था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जांपल का आधा नंबर है, लिखने का आधा नंबर है, गैमेट दिखाया है तो आधा नंबर, फिर गैमेट के बाद आपने पुनस्कर बनाया है तो आधा नंबर, सेल्फिंग लिखी है तो आधा नंबर, पुनस्कर के बाद रेशियोज लिखी है तो आधा आधा नंबर, आधा आधा नंबर, तो एक नंबर फिनोटिपिक रेशो और उसमें बताना है रेड पिंक व्हाइट कौन सा है, एक नंबर जीनोटिपिक रेशो का है, एक नंबर आप कह सकते हो पुनस्कर का है, और बाकी दो नंबर ऊपर जो आपने सब कुछ लिखा उसका है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चेकिंग कर रहे थे हम, इसमें यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे, देखो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता दिया, मिराबिलिस जलपा इंट्राहेनम मेजस दो, हाँ स्नैप ड्रैगन बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल दे दिए, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर बता दिया कौन सा है, F1 बना दी। देखना आप कोशिश करना कि ऐसे प्रोसेस आप पूरे एक पेज पे नए पेज पे बनाओ, ये तो मुझे ऐसे तो आपको समझाना था तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिए, गैमेट्स लिख दिए और उनकी फ्यूजन करवा दी, और इसमें आपको बताना है कि रेड रेशो पिंक रेशो व्हाइट है, तो इसलिए यहाँ पे भी पांच नंबर मिलते हैं, बट पीछे वाले पार्ट में पांच नंबर दे दिए तो यहाँ पे कूद देगा टीचर, यहाँ पे सीधा वो कट करके लिखेगा एक्स्ट्रा। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो रिएक्टर्स आर कंटेन्ड कंटेनमेंट व्हीकल्स ऑफ एनी बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक यूज। जी आर इज इक्वल टू पी आर, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा हाँ हाँ ठीक है समझ गया, सही है सही है, जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो के बराबर है, ये आपको लिखना है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड फॉर इकोनॉमिक रीजन द फाइनल सक्सेस ऑफ, ये देखो आंसर करना है, लिस्ट द ऑपरेशनल गाइडलाइंस दैट मस्ट बी अधियर्ड सो दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बायो रिएक्टर शुड बी अटेन्ड, मेंशन द फेज, मतलब कंटिन्यूस फेज की बात हो रही है तो मेंशन द फेज जहां पे ऑप्टिमल ग्रोथ हो रही है, मतलब लैग फेज होता था, लॉग फेज जहां पे लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रही है, ये वो वाला आ गया। इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सुटेबल फॉर इमीडिएट यूज, क्या हम उसको अभी यूज कर सकते हैं, नहीं, उसको आपको पहले डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो पहले नो लिखोगे फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लिखोगे, तो इस प्रकार से आपके मार्क्स जो हैं डिवाइड होंगे, देखना कैसे डिवाइडेड है। ये रहा ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, मैंने आपको चार कंडीशंस लिखनी थी, ऑक्सीजन विटामिन सॉल्ट पीएच सब्सट्रेट टेम्परेचर, ये सब आपको लिख देना था, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज लिख सकते थे, नो बिकॉज उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी, तो दो नंबर इसका मिला, एक नंबर इसका मिला और दो नंबर यहाँ पे मिलते। तो अब हम देखते हैं कि आंसर में हमने क्या लिखा है, देखो ये तो मैंने कंपोनेंट्स बता दिए, तो कंपोनेंट्स बताने का मार्क नहीं मिलेगा, लॉग फेज एक्टिव फेज ठीक है, नो इट नीड नॉट बिकॉज इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बट इसमें तीन ही नंबर मिलेंगे, तो इसलिए अगला पार्ट भी चेक होगा, अगला पार्ट भी चेक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अगर पूरे नंबर नहीं मिल रहे तो अगला पार्ट चेक होगा, अगर पूरे नंबर मिल गए तो अगला पार्ट चेक नहीं होता है। तो अगला पार्ट चेक करके देखें, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट का क्वेश्चन पढ़ो पहले, ये रहा इको R1 का रोल है RDNA टेक्नोलॉजी में, उसका नेम बताओ कि कैसे उसका नेम बना, राइट द रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड क्लीवेज साइट एंड देन प्रोट्रूडिंग एंड हैंगिंग स्ट्रेचेस बताओ, उनके क्या बोलेंगे स्टिकी एंड्स, उनका रोल लाइगेजिंग में मदद करता है, तो ये सबको लिखना था, देखो कैसे लिखना है, कैसे कर सकते हो इसको। ई जीनस है, कोर स्पीशीज है, आर स्ट्रेन है, ऑर्डर ऑफ, तो इसके चारों के आपने एक्सप्लेन कर दिया तो दो नंबर आपको यहां पे मिल जाएगा। अगला, अगर आपने ये डायग्राम बना दिया या इसको एक से लिख के एक्सप्लेन कर दिया, दोनों से ही आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगला स्टिकी एंड बता दिया है, और स्टिकी एंड से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से बन जाएगी तो लाइगेटिंग में मदद मिलती है, तो इससे आपको दो नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे दो पॉइंट लिखने जरूरी थे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला और एक यार लाइगेज, लाइगेज का एग्जाम्पल, मतलब लाइगेज का काम आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा उसको देखो ये क्या लिखा गया, ये तो बता दिया गया ये सही है, नेमिंग सही है, बट नेमिंग के बाद वो एक बार छूट गया बीच में, कौन सा कहाँ पे कट हुआ वो तो बताया ही नहीं, प्रोट्रूडिंग ब्लंट एंड्स हैंगिंग शार्प एंड्स, हैंगिंग इजी टू लाइगेट बिकॉज सेम एंड, ठीक है कुछ हद तक ठीक है आंसर, इसमें आपको चार साढ़े तीन नंबर मिल जाएंगे, तो इसको हटा के वो ओवर अटेम्प्ट लिख देगा, ठीक है। तो अब हम टोटल कर देंगे, टोटल कर लेते हैं बिकॉज हमारा चेक हो गया, पांच दस ग्यारह बारह तेरह, तो साढ़े तेरह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अठाईस उनतीस इकतीस बत्तीस तीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौतालीस पैंतालीस फोर्टी फाइव एंड हाफ, फोर्टी फाइव एंड हाफ नहीं ये भी तो है, फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी वन एंड हाफ बन रहे टोटल, तो टोटल आएगी सिक्सटी वन एंड हाफ आउट ऑफ सेवेंटी।
राइट, विद दिस हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। ये सारे प्रीवियस जो है पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। देखो तो कितने सारे पेजेस थे, कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आए थे। विद दिस आपका आज का काम कंप्लीट है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये जो ऐसे जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही मिल जाएगा। ओके, सो विद दिस हम मिलते हैं दोबारा से विद प्रेजेंटेशन टेक्निक्स। तो प्रेजेंटेशन बताएंगे कैसे करेंगे, वो मैं आपको शाम को बताऊंगा, और उसमें यूज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो में बताऊंगा, और उसके लिए ना मैं एक और पेपर सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, एक और पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ इस बार। तो जैसे यहाँ पे गंदगी से किया था ना वैसे नहीं कर रहा, कोशिश तो यही है, ठीक है, बट प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कैसे लिखना है पेपर में। तो वो मिलेंगे तब, और कल कोई भी लेक्चर नहीं आएगा बिकॉज कल आपका दिन है, कल आपको रिवाइज करना है। सारे पुराने लेक्चर्स देख लो एक दिन में, अगर पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा वैसे एक दिन में, बट स्टिल सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो तो देख लेना, आज से शुरू कर दो। जेनेटिक्स छोड़ दो फिलहाल, बिकॉज जेनेटिक्स आपने पढ़ ली होगी ना, जेनेटिक्स सबसे पहले कोई पढ़ता है। तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई ऐसा बच्चा भी है, तो वो जेनेटिक्स से स्टार्ट करें। जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन, ये दो यूनिट्स को कर ले, आपका मेजर पेपर इन दो यूनिट से आ रहा है। तो आप देख सकते हो अब सेट ए बच गया, मतलब पहला पेपर है ना, तीन पेपर होते थे 2023 में, तीन पेपर हुए हैं, और उन तीन के ही तीन तीन सेट हैं। दो पेपर मैंने आपको करवा दिए, उन दोनों के तीन तीन तीनों तीनों सेट मैंने आप इंक्लूड कर दिए हैं, मेरे ख्याल से तो तीनों कर दिए हैं, है ना। अब पहला सेट हम देखेंगे, पहला पेपर देखेंगे, उसके तीनों सेट अभी रहते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा विद दैट। तो कैसे प्रेजेंटेशन टेक्निक जो है ना, तो वो मैं उसी पेपर की करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रेजेंटेशन ट्रिक्स के, ट्रिक्स नहीं ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन्नारायण, राम राम भाई सारे ने।